नारद जी को देखना, हर समय बिना में ठाकुर जी का नाम जप करते हैं। श्री हनुमान जी को देखो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कहते श्री भोले बाबा को देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले महामंत्र जय ही जप का महेशा काशी मुख तीज तो उपदेशा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री भोले बाबा भी पंचमुख में भगवान का नाम, मतलब पंचमुख राम नाम कान के पुरा, वो भी पंचमुख में नाम करते हैं। अभी आप लोग नवरात्रि रख रहे हो ना नवरात्रि। एक समय माता देवी शंकर जी से प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु किसका नाम जप करें? शंकर खुद कहते हैं, बोले राम रामेति रामेति रम रमी मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्लम श्री राम नाम बरानने। पार्वती मैया बड़ी सुंदरी है, कहते हे सुंदरी पार्वती, जो जो राम का जो नाम है वो बड़ा प्यारा नाम है, इसलिए राम नाम में मेरा मन रम जाए। अगर कोई 1000 विष्णु का नाम लेता है, उसमें जो फल की प्राप्ति होगी, एक बार अगर श्री राम का नाम लेते हैं तो वही फल मिलता है। इसलिए तब से माता पार्वती, आप देखना माता पार्वती की अष्टभुजा है, आठ हाथ में देखना, एक हाथ में देखना की माला है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सहस्र नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जई प्रिय संग भवानी। ये जो भवानी मतलब पार्वती, शंकर जी के इतने प्यारे क्यों है? बोले कारण है, हर समय माता पार्वती भगवान का नाम जप करते हैं। आप लोगों ने गणेश जी का नाम सुने हो, आप लोग गणेश जी का नाम सुने कि नहीं? कहती है गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों होती है? आप लोग टीवी में आता होगा, देखे होंगे, एक समय सारे देवता की मीटिंग है, सारे देवता मीटिंग करते हैं, अग्र पूजा 33 करोड़ देवता में अग्र पूजा किसको होनी चाहिए, सबसे पहले पूजा किसकी होगी? बोले एक काम करो, ये पृथ्वी ने जो परिक्रमा करके संपूर्ण ब्रह्मांड को जो पहले आ जाएगा उसकी सबसे पहले परिक्रमा उसकी पूजा होगी। देखो अभी भारत में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा आपको पता होगा, कितने लड़ाई झगड़ा है और उसके लिए कितने कंपटीशन है, पता नहीं कितने क्या क्या कर रहे हैं। केवल भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए विश्व ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता में सबसे पहले किसकी पूजा होगी, ये साधारण बात नहीं। बोले जो विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसकी पूजा होगी। अभी ब्रह्मा जी अपना हंस बाण लेकर के चल पड़े, गणेश श्री कार्तिक अपना मौर बाण लेकर के चल पड़े, सबके सब बाण लेकर चल पड़े, जो पहले आएगा परिक्रमा करके उसकी पहले पूजा होगी। अभी गणेश जी जहाँ के तहाँ के बैठे हुए, गणेश जी का वाहन कौन है? गणेश का वाहन कौन है? चूहा है। अभी गणेश जी कहाँ जाए? इतने में नारद जी आए, बोले भैया क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तब श्री नारद जी कहे, देखो बेटा, हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए तुम भगवान राम का नाम लिखो और उसको तुम 3 बार परिक्रमा कर लो। वे लोग तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिन में परिक्रमा करके आए, और तुम्हारी एक ब्रह्मांड नहीं, भगवान के अंदर में अनंत करोड़ ब्रह्मांड श्री भगवान को अंदर में विद्यमान, तुम्हारी 3 बार तुम्हारी परिक्रमा हो जाएगी। अभी सारे देवता कितने सालों में पसीना पसीना में तरबर हो रहे थे, कितने सालों में परिक्रमा करते करते आए। अभी मीटिंग हुई, ये ब्रह्मांड को पहले कौन परिक्रमा करके आए? किसने कहा? मैंने। किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया था, तुमने मेरे को देखा नहीं? किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया? तब देखो तब लड़ाई शुरू हो जाए। श्री गणेश जी कहते हैं, बोले सबके सब चुप बैठो, तुम लोग तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिनों के बाद परिक्रमा करके आए हो, मैं तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने 3 बार परिक्रमा लगा ली।
अभी इसको सुन करके सब लोग बड़े ठाट लगा कर हंसे। ये चूहा बहाने जहाँ के तहा बैठा हुआ कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को परिक्रमा लगा करके आए। तब श्री नारद जी ने कहा देखो इसने भगवान का नाम राम का नाम लिख करके इसने 3 बार परिक्रमा लगाया। भगवान को अंदर में अनंत करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान है, ये वास्तव में अनंत करोड़ ब्रह्मांड को उसने परिक्रमा कर ली। गणेश जी की जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं कहते महिमा जासु जान गन राहु प्रथम पूजिय कर नाम प्रभाव। हिंदी समझ में आ रही है? ये गोस्वामी तुलसीदास की प्यारे हैं। बोले महिमा जासु जान गन राहु, गन राहु मतलब श्री गणेश जी, प्रथम पूजिय कर नाम प्रभाव, ये जो सर्वप्रथम इनकी पूजा हो रही है केवल एक कारण से, ठाकुर जी का नाम की महिमा के कारण से। इसलिए सारे दुनिया में ब्रह्मा जी शंकर जी नारद जी जिसको जगत में उतना ही जगत में उतना पूजा है जो जितने ठाकुर का नाम जप किया है उसका ही जगत में इतना महिमा जगत में उतना पूजा है। इसलिए ब्रह्म हमारे से शंकर जी पार्वती जी हनुमान जी गणेश जी गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए इनकी जगत में पूजा हो रही है क्योंकि इन लोगों ने प्रभु का नाम को ही जीवन का सार बनाया। इसलिए ये श्लोक में कहते हैं एतत निर्विद्यमाना नाम। पहले कौन व्यक्ति प्रभु का नाम जप करेगा? जो मुक्त महापुरुष हो गए वो भी, और दूसरा व्यक्ति लोगों ना निर्मित हरे नामान कीर्तनम। कहते सारे शास्त्र का अगर मंथन की जाए अगर इससे अगर कोई चीज मक्खन निकले ना कहते क्या है? बोले भगवान का नाम है। भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो भगवान का नाम से शुरुआत हुआ और भागवत का जो लास्ट श्लोक है वो भी ठाकुर जी का नाम से ही समाप्त हुई। इसका मतलब सार का जो सार है शास्त्र का ये ठाकुर जी की नाम है। बोले इच्छता अकूत भय, अगर कहीं संसार से अभय बनना चाहते, संसार से हम अभय पाना चाहते, जीवन में शांति और सुख अभय पाना चाहते हैं, क्या करनी चाहिए? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान की नाम जप करो, भगवान के नाम लो। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत हुए रूप गोस्वामी, देखो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करना शुरू करते हैं कहते उनको 3 काम होना शुरू हो जाता है। कितना काम? 3 काम। ये चीज को मन लगा कर सुनो, वो कितने बड़ी बात कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की केवल नाम जप करना शुरू करते उसको 3 काम होना शुरू होता है। बोले 3 काम क्या है? बोले नरक में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुला करके कहते हैं। चित्रगुप्त कौन है? गुप्त मतलब होता है छुपा करके, गोपनीय रूप में। चित्र मतलब होता है फटो, मतलब गुप्त रूप में सबका फटो जिसको पास में है। इसलिए मरने का बाद सारे कापी खोलने पर हमने किया क्या कर्म नहीं किया सब निकलता है, इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त है। इसलिए जब महाराज जी चित्रगुप्त को बुलाते बोले रजिस्टर लाओ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम यहाँ काट दो क्योंकि प्रभु का नाम जब करना उसने शुरू कर दिया अभी वो नरक नहीं आएगा, उसका नाम काट दो। बोले गोलोक वृंदावन में कहते श्री राधा रानी अपना सखियों को कहती बोले रजिस्टर लाओ। बोले क्यों? बोले इसका नाम को यहाँ लिख दो, ये प्रभु का नाम जप करना शुरू किया अभी वो गोलोक वृंदावन वैकुंठ में आएगा, इसलिए इसका नाम लिख दो। बोले तीसरा काम किया, बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपना थाली जो आरती का जो थाली उसको सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले जब प्रभु का नाम जप कर रहा है वो भूर भूव मोह जन सारे लोग को पार करते हुए ठाकुर का धाम में जाएगा, जब जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा, उसको मैं आरती उतारूंगा। जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करना शुरू करते हैं उनको ये 3 काम अपने आप हो जाते हैं। इसलिए आप लोग एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
हरे 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 जोर करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की अभी श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले बदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व जज ज्ञानं मद्वयं ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति सप्तति ये चीज को अपमान लगा इसमें देखना हमारे भारत में कभी कभी हम धर्मों के विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कोई कहते भगवान तो निराकार है कोई कहते भगवान तो साकार है अरे कोई कहते हैं भैया परमात्मा को हृदय में ये अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा को ध्यान करो कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी की कंफ्यूज को दूर करने आप भी अच्छे तरह से समझ लो ये चीज को ये ब्रह्म क्या है और ये परमात्मा क्या है और ये जो ठाकुर जी को हम पूजा करते हैं ये क्या चीज अच्छे तरह से सुन लो इसलिए एक उदाहरण देकर समझा है बोले भगवान एक ही है लेकिन एक भगवान की ये तीन प्रकाश है एक स्वरूप में वो ब्रह्म भी है एक स्वरूप में वो परमात्मा भी है और एक स्वरूप में ये भगवान है अभी यहाँ प्रश्न होता है क्या ये सब बराबर ना सबके सब एक है तो ये चीज को समझाने के लिए एक उदाहरण देकर समझा जैसे मन आम का सीजन है मार्केट में बड़े सुंदर दशहरी चोसा आया एक राजा ने एक सेवक को कहा बोले भैया देखो तो हमने सुना बड़े सुंदर मार्केट में आम आया है पहला सेवक गया देखा सचमुच से पीले पीले रंग के बड़े सुंदर आम बिक रहे हैं वो देखा वापस आ गया बोले राजा मेरे देख कर आया बड़ा सुंदर आम राजा फिर दूसरे सेवक को भेजा बोले भैया तू देख कर का दूसरे सेवक ने देखा सचमुच से सुंदर सुंदर आम पहला व्यक्ति को देख करके आ गया था दूसरा व्यक्ति देखा और उसको स्पर्श किया तो देखा पका हुआ और सूंघा तो देखा उसमें बड़ी खुशबू है बोले महाराज जी बड़ा सुंदर आम है सुन कर आया और पका हुआ आम है राजा तीसरे सेवक को भेजा बोले भैया तू देख रेखा तीसरा सेवक गया देखा स्पर्श भी किया देखा पका हुआ सूंघा बड़ा खुशबू बोले पांच किलो आम लाए ठंडा पानी में भिगोया और उसको अमोनिया करके भगवान को तुलसी पत्ता से भोग लगाया लेकिन जब आम को खाया ना बड़ा मीठा आम राजा ने पूछा भैया आम तेरे को मिला बोले महाराज बड़े सुंदर मीठा आम है मैंने खा करके देखा हाँ ये चीज को समझ लो कहते एक ही भगवान है एक ही लेकिन इनके तीन इनके प्रकाश है पहला व्यक्ति जो गया था केवल देख करके आया बोले ये कौन है बोले ये ज्ञानी है जो केवल दूर से केवल भगवान की प्रकाश को देख करके ज्योति को देख करके कहते भैया भगवान के इसे बोले निराकार उसका तो कोई आकार नहीं जैसे सूरज है हमें सूरज दूर से क्या दिखता है केवल एक अगले पिंडला दिखती है और कुछ नहीं दिखती लेकिन एक सूरज ये नहीं है सूरज का आप देखे होंगे कहीं मूर्ति देखे होंगे बड़े सुंदर उनका रहते हैं बीच में सूरज बैठेंगे उनका नाक घोड़े लगे हुए इनकी पत्नी है इनके बच्चे हैं लेकिन हम लोग दूर से क्या हमें दिखता है केवल एक प्रकाश प्रकाश दिखता है जैसे मान एक बल्ब है आप दूर से देखना वो दूर से केवल एक प्रकाश प्रकाश दिखता है लेकिन पास में जाओ देखना अंदर में दो तार है और नजदीक में जाओ कहीं पावर हाउस से वहां से सप्लाई हो रही है इसलिए वो लाइट जल रही है लेकिन दूर से क्या दिखता है केवल एक प्रकाश प्रकाश है इसलिए यहाँ बताए जो ज्ञानी लोग भगवान को जो निराकार कहते हैं कहते भगवान कृष्ण इतने प्रकाश भगवान की जो ज्ञानी केवल एक प्रकाश मात्र दिखता है दूसरा व्यक्ति गया वो देखा सुनता वापस आ गया कहते ये कौन है बोले ये योगी है जो कि अपना हृदय में एक अंगुष्ट परिमाण भगवान को केवल वो ध्यान करता है कहते ये योगी लेकिन ज्ञानी से ये योगी श्रेष्ठ है
क्योंकि वो तो केवल देखा, लेकिन वो के परमात्मा को वो ध्यान करता है हृदय में, इसलिए उनसे सृष्टि ही है। लेकिन लास्ट में जो गया, देखा भी, सुंघा भी और लेकर के आया भी और ठाकुर को भोग लगाया और खाया, कहते ये कौन है? बोले ये भगवान के भक्त है। जैसे श्री हनुमान जी, वो क्या करते हैं, जब भगवान राम विश्राम करते हैं, हनुमान जी प्रभु के चरणों में बैठते हैं। अगर कहीं राम को कहीं जाना, हनुमान जी स्वयं कंधे पर बैठा कर ठाकुर जी को ले जाते हैं। कहीं राम बैठे हुए हो, हनुमान जी अपना पूछ से भगवान को छाया कर देते हैं, जैसे मैया सीता राम की सेवा करती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यदि ये जो भक्त हैं, जितने भी भगवान को सब प्राप्त करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप में भगवान को कौन प्राप्त करते हैं? बोले भक्त। इसलिए आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे, ज्ञानी का भगवान कोई नहीं कहते, कर्मी का भगवान कोई नहीं कहते, योगी का भगवान। आप लोग बताओ तो भगवान किसके भगवान है? बोलो जोर से, हाँ भक्त के भगवान। इसलिए कितना भक्त वत्सल भगवान, बल श्री भक्त वत्सल भगवान। इसलिए हमारे श्री सूरदास जी हुए, नाम सुने होंगे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर एक भजन लिखे हैं। वो जो भजन है ना, अब प्रभु जो भजन गाएंगे, आप लोग सुना, वो भजन है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बड़े सुंदर। ये भजन में बोलते हैं, जितने भी भगवान को सब लोग ने पाए हैं, लेकिन भक्तों को जैसे प्रभु को मिला, भगवान जैसे भक्तों का प्रेम में जितने वशीभूत हुए, और ठाकुर और किसी के प्रेम में इतने वशीभूत नहीं हुए। ये सूरदास का बड़ा प्यारा भजन है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सब दुनिया भजे की मेरा त्यागी, दुनिया भजे की मेरा त्यागी, दुनिया भजे की मेरा त्यागी, दुनिया भजे की I'm sorry.
Thank you.
सबसे उसी की प्रेम सजाई भगवान राम सबरी के प्रेम में बसीभूत होकर के सबरी के ठाकुर ने झूठा बैरिया बोले बहुविध स्वाद बता बोले सबरी आज के तेरे झूठे बैर में जो स्वाद मिला कहते वैकुंठ में मेरे को छापान भोग छत्र से व्यंजन लगाते हैं उसमें भी इतने हमें स्वाद नहीं मिलता है कहाँ भगवान और अर्जुन का ठाकुर जी सारथी बन गए भगवान हो करके जब शांति दूध बन करके कृष्ण दुर्योधन के पास में गए बोले पांडवों को ज्यादा किसी नहीं चाहिए पांच गांव के दो खुश हो जाएंगे बोले भैया बगर युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन देना नहीं चाहता हूँ तुम कहते तो पांच गांव दे दे अभी दुर्योधन सोच रहा था कृष्ण को खिला पिला कर खुश कर दूंगा बोले पहले अपना भोजन कर लो फिर बात करेंगे कृष्ण ने कहा देखो व्यक्ति तीन जगह में भोजन करता है कहाँ पर जब भूख लगी तभी भोजन कर लेता है लेकिन मेरे को तो भूख लगता है नहीं मैं तो प्रेम का भूखा हूँ इसलिए भक्त जब प्रेम से देते हैं तब खाता हूँ इसलिए मेरे को भूख नहीं दूसरा जगह में खाते हैं अगर आप किसी काम के लिए जाओ वो काम बन जाएगा ना अब आनंद से भोजन कर लो कहते यहाँ पर मेरा काम ही नहीं बना तीसरा जगह में खा लेते हैं अगर आपका कोई प्यारा मित्र हो बंधु को घर में आप खा लो दुर्योधन ने कहा क्या मैं आपको मित्र नहीं हूँ बोले नहीं तो मेरे शत्रु हो क्यों मेरे भक्तों का जो मित्र वो मेरे मित्र है और मेरे भक्तों का जो शत्रु वो मेरे शत्रु है पंच पांडव मेरा भक्त है तुम उनको शत्रु इसलिए तुम मेरे शत्रु हो बोले कहीं तक खाना खाओगे बोले जहाँ इच्छा खा ही लेंगे इतने में ठाकुर ने बोले दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर मेरे भगवान विदुर जी के घर में गए विदुर कहीं बाहर गए हुए थे घर में विदुरानी थी वो तो ठाकुर जी को देख करके विश्व ब्रह्मांड का माली और मेरे जैसे गरीबी घर में ठाकुर जी कहाँ बैठा है कैसे प्रेम करे पाग वो तो बाबरी बन गई भगवान को केले ला करके वो छिलका खिला रही थी केले फेंकते जा रही थी इतने में विदुर जी आए बोले बाबरी क्या कर रहे हो ठाकुर जी को केले का छिलका खिला रहे हो ठाकुर जी खुश होकर खा रहे थे क्यों भगवान प्रेम के भूखे हैं जब विदुरानी की होश आई अभी उन्होंने केला खिलाना शुरू की कृष्ण कहते विदुर जी पहले केले के छिलके में जो आनंद आ रहा था ना अभी वो केले में आनंद नहीं आता क्योंकि मैं केला भी नहीं खाता और छिलका भी नहीं खाता मैं तो केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई और देखो उन्होंने लास्ट क्या एग्जाम्पल दिया ध्यान देखो उसमें बोले श्री दुर्योधन का एक सेवक था जिसका नाम था हर नाई वो नाई था रोज उसका काम था दुर्योधन के शरीर में तेल लगाना मालिश करना उसको स्नान करना लेकिन उधर बड़ा संत से कोई साधु आ जाए ना प्राण दे करके सेवा करता था क्यों उसको पता है वो संतों के हृदय में भगवान का निवास है अगर कोई संत खुश हो जाए तो ठाकुर अपने आप खुश हो जाएंगे अब ये जिस समय दुर्योधन की सेवा करने जाएगा ठीक उसी समय में कुछ संत आ गए
अभी तो द्विविधा में पड़ गया, अभी क्या करेगा। अगर संत सेवा छोड़ता हूँ फिर तो सेवा मिलेगा दुर्योधन का, अगर दुर्योधन का सेवा करता हूँ संत सेवा छूटेगी। बोलिए दुष्ट का तो सेवा करता रहता हूँ लेकिन संत सेवा सहज में नहीं मिलता है, आज मैं तो संत सेवा करूंगा। उनने संतों के लिए भोजन बना करके उनने संतों को खिलाने लग गए, उधर से कृष्ण को चिंता लग गई। बोले ये दुर्योधन तो दुष्ट महा, अगर ये टाइम पर ये सेवा नहीं करेगा ना उसको हो सकता है दंड दे सकता, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। इतने में कृष्ण चिंता में पड़ करके कृष्ण स्वयं हर नाई का रूप ठाकुर जी धारण कर लिए और दुर्योधन को घर में गए और उसको शरीर में तेल मालिश करने लगे। कौन तेल मालिश कर रहे थे? भगवान। भगवान कौन है? वो आनंदमय है, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। अगर भगवान किसको तेल मालिश करेंगे कितना आनंद होगा। अभी दुर्योधन का हृदय तो आनंद में भरपूर हो रहा था, दुर्योधन ने क्या है तेरे हाथ में कोई क्या जादू ही ना किया, तू शरीर में हाथ लगाते ही पता नहीं मेरे मन में इतना आनंद क्यों आ रहा है, मेरे रोम रोम खिल रहा है, या तेरे हाथ में कोई जादू ही ना किया। दुर्योधन आज इतने प्रसन्न हो गया, बोले जीवन में मुझे इतना आनंद कभी नहीं मिला। उसको गले में एक सोने की हार थी उसने निकाल करके उसने दे दिया उसको हरनाई के गले में, वो हरनाई नहीं वो कृष्ण स्वयं। इतने में पहनाया तो कृष्ण को गले में लेकिन वो हार चला गया अपने आप हरनाई के गले में। अभी हरनाई संतों की सेवा करते हुए बड़े देर से पहुंचा, सोच रहा है हो सकता है दुर्योधन जेल में भी दे सकता, राजा है नौकरी भी ले सकता है, डरते डरते पहुंचा। बोले आज मैंने टाइम से नहीं आ पाया घर में, वो जो साधु संत आ गए थे। बोले क्यों, आज तुमने इतने सेवा इतने बढ़िया सेवा की, जीवन में मुझे कभी इतना आनंद ही नहीं मिला। बोले नहीं आ नहीं पाया। बोले ओ तेरे को मैंने सोने की हार पहना दिया ना इसलिए तेरे मन में इतने अभिमान आ गया, अभी उसको पता नहीं गले में हार पड़ा हुआ है सोने की। दुर्योधन ने किया कि वो हार को ऐसे पकड़े और छीन लिए, जब छीन लिए उसने देखा भैया मेरे गले में सोने की हार कहाँ से, मेरे गले में तो कोई सोने हार थी नहीं है। तो वो संत था ना भक्त था ना, वो समझ गया ओ आज घर में संत लोग आए थे, आज मैंने संतों की सेवा की इसलिए ठाकुर जी मेरे रूप धारण करते हुए आज ये दुष्ट की सेवा करने पहुंचे। बोले मेरे वजह से आज मेरे ठाकुर जी को ये दुष्ट की सेवा करने लग पड़ा, आज से तेरी नौकरी नहीं करते हैं, उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी उन्होंने। इसलिए सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ठाकुर जी प्रेम से जितने वसीभूत होते हैं और किसी को द्वारा इतने वसीभूत ठाकुर जी नहीं होते। इसलिए भगवान को प्रेम से ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान से नहीं कर्म से नहीं योग से नहीं कैसे प्रेम से। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान मधर्मस्य ऐसे जो भगवान है वो जुग जुग में ठाकुर जी आते हैं। जब जब भक्तों को ऊपर में कोई परेशानी हो वो ब्राह्मण पृथ्वी स्त्री को ऊपर में जब जब अत्याचार हो ठाकुर जी जुग जुग में आते हैं और भक्तों को रक्षा करते दुष्टों को विनाश करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की कथा है। भगवान की जो सर्वप्रथम अवतार है ठाकुर जी ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री चतुसन रूप में भगवान आए। इनका उम्र हर समय 5 साल की, इनकी कभी उम्र बढ़ती नहीं कभी उम्र घटती नहीं। बोले क्यों उम्र घटती बढ़ती नहीं क्यों, कहते ये दिन रात प्रभु की भक्ति में मस्त रहते, कहीं अगर कथा सुनाना मिले ठाकुर कथा सुनाते, अगर कोई नहीं होना 4 भाई ये है सनक सनातन सनातन और सनत कुमार, एक भैया तो ब्यास गद्दी पर बैठ जाएगा, तीनों भाई सामने बैठ जाएंगे, बस ठाकुर की चर्चा है। इसलिए ठाकुर जी की चर्चा हर समय करने का नाते यदि जो काल है ना ये समय को नष्ट नहीं कर पाता,
इसलिए भागवत में बताया कि सूरज नहीं ये काल है। हम कहते ना आप बड़े हो रहे हैं, कोई बड़े नहीं हो रहे, हम सब छोटे हो रहे हैं। कोई बोलते ना 50 साल के हो गए, 50 साल के हो गए हम, कि 50 साल हमारे खत्म हो गया है। इसलिए कहते सबका परमात्म काल हरण करना है, लेकिन तस्रीते जप खनम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति भजन में मन लगाते हैं, कहते उनका ऊपर में काल का कोई प्रकोप, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये चतुष्ण हर समय 5 साल उम्र में बन रहते हैं। भगवान का जो दूसरा अवतार है, भगवान वराह रूप में आए। देखो कहते शाम का समय में, ध्यान देकर सुनो, कहते शाम का समय में हमें 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितने काम नहीं करनी चाहिए? 4। बोले पहला काम किया, बोले ठीक शाम का समय में सोया मत कर। जो शाम का समय में सोएंगे वो निर्धन हो जाएगा, दरिद्र बन जाएगा, वो लक्ष्मी कभी घर में नहीं रहेगी। दूसरा काम है खानी नहीं चाहिए, ठीक सूर्योस्त का समय खाने से उसको पेट का रोग बनी रहेगा। तीसरा काम है पढ़नी नहीं चाहिए, वो पढ़ेगा तो कोई चीज उसको याद नहीं रहेगा। आप देखते ना कोई कोई बच्चा कहते घर में तो पढ़ाई बढ़िया करते हैं, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं सब भूल जाता है, कारण है उसको पढ़ाई सही समय पर नहीं। और जो चौथा काम है पति पत्नी नहीं मिलनी चाहिए, सहवास नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो बच्चा होगा ना फिर राक्षस बच्चा होगा। इसलिए भगवान वराह अवतार क्यों लिए? कारण है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के लिए ठाकुर लिए। कहते एक समय श्री कश्यप की 2 पत्नी थे, हैं 2 पत्नी, कहते एक दीति और एक अदिति। एक समय दीति ने ठीक शाम का समय में उसने बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की, श्रृंगार करके शीशा को सामने खड़ी हो गई। खड़ी हो करके अपना रूप को जब उसने देखी, एकदम काम में मुग्ध हो गई। उसने कश्यप जी से प्रार्थना की, कश्यप जी ने कहा देखो दीति ये समय सही नहीं, ये शाम का समय में शंकर जी ये भूत प्रेतों को लेकर घूमते हैं, ये समय भजन करने का समय, मिलने का समय नहीं। लेकिन वो काम में इतनी आतुर हो गई थी, वो जोर जबरदस्ती पति से मिली। जब मिली कश्यप जी ने कहा तुमने सही नहीं किया, ये समय सही नहीं था, इसलिए तुम्हारे गर्भ में राक्षस जन्म लेंगे, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म लेंगे। हिरण्य देखला, देखना किसी किसी घर में बच्चा तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, अब देखना किसी किसी घर में बच्चे इतने उद्दंड होते हैं, पिता माता की बात नहीं सुनते हैं। कारण है जिस समय गर्भाधान समय होता है, अगर सही समय पर अगर गर्भ में बच्चा आए वो बच्चा बड़ा संस्कारी होगा, अगर समय अगर सही नहीं तो फिर गड़बड़ी होगा। अभी दीति ने माफी मांगी पति से, बोले मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। जब माफी मांगे फिर बोले ठीक है तुमने माफी मांगे हो, लेकिन ये बेटा तो तुम्हारी राक्षस बनेगी, लेकिन जो बेटा का बेटा होगा ना पोता भक्त बनेगा। इसलिए ये हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बनकर गया। अभी आगे श्री प्रहलाद महाराज की कथा आएगी, जो परम भक्त हुए हैं, इतने बड़े भक्त हुए जो खंभे से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, इतने बड़े भक्त हुए हैं। इसलिए भगवान वराह अवतार में ठाकुर जी उन्होंने श्री हिरण्याक्ष को उन्होंने बद किया है। बोले भगवान की जो चौथा अवतार है, कहते श्री नारद रूप में ठाकुर जी श्री नारद रूप में आए। आप तो सब नारद जी को नाम जानते हो, लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनामी है। हम कहते हैं ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या लड़ाई लगा रहे हो, तब तो ही बोलते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं। नारद जी भगवान के परम भक्त है, इनके बगैर कोई लीला ही ठाकुर का नहीं। राम लीला देखो इनकी वजह से, कृष्ण लीला देखो कि इनकी वजह से, ठाकुर जी की कोई भी लीला हुई ये नारद के बगैर कोई लीला नहीं हुई। इसलिए इनका नाम है नारद। ये नारद मतलब क्या होता है? बोले नर मतलब होता है रस, द सबको जो रस देते हैं, नर मतलब ज्ञान, द सबको जो ज्ञान देते हैं, नर मतलब आसक्ति, द मतलब खंडयति संसार का बंधन को जो नष्ट करते हैं, और ना रद जो रति नहीं होता, रद नहीं होते हैं, हर समय जो सक्सेसफुल होते हैं। बोले श्री नारद भगवान की जय। इसलिए श्री नारद जी का जिस समय श्री तथ्य प्रजापति ने
उन्होंने पहले मानस सृष्टि होता था, मन में सृष्टि करते थे, इसलिए उन्होंने मानस सृष्टि से 10,000 बच्चों को जन्म दिए। पहले नियम होता था सबके सब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, अभी उन्होंने भेज दिया जाओ गुरुकुल में शास्त्र अध्ययन करके आओ, अभी शास्त्र इनकी पढ़ाई हो गई, अब ये घर वापस जाएंगे संसार करने के लिए। नारद जी ने कहा देखो तुम लोग संसार में जा रहे हो, सोच विचार करके जाओ, समझ बूझ करके जाओगे तो फिर फंसोगे नहीं, ये तो माया में फंस जाओगे। तो उन्होंने नारद जी कुछ कुट प्रश्न करते हैं, देखो आप सभी मैं प्रश्न करूंगा आप भी उत्तर देना ठीक है। इनका पहला प्रश्न है आप लोग बताओ ऐसे कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरफ में बह रही है, आप बता सकते हैं ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में वो दो तरफ में बहती है, बता सकते हो क्या? ये जन्म है और ये मृत्यु है। देखो जैसे हमने जन्म हुए जितना बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं उतना ये घटते घटते परमाव जा रहे हैं। हम कहते बच्चा 10 साल के लाला हो गया, 10 साल के नहीं उसका परमाव 10 कब घट गया, 20 साल के हो गए मतलब परमाव की तरफ 20 खत्म हो गई, 30 साल के हो गए मतलब इसे 30 साल तक खत्म हो गई। इसलिए कहते हैं जो जन्म और जो मृत्यु रूपी जो नदी है ना एक साथ में ये दो तरफ में बह रही है। इनका दूसरा प्रश्न देखो मैं देखता हूँ कौन उत्तर देता है, ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार घुस जाओ ना निकलने का रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा, बताओ तो कौन सा बील? कहते ये गृहस्थी है। हम लोग देखना सामने एक समस्या, अगर किसी तरह से एक समस्या हल हो जाएगी ना भैया चैन मिलेगी, देखना वो एक समस्या नहीं खत्म उसमें दो समस्या आएगा। हमने सोचा अगर लिखाई पढ़ाई सीख जाएंगे तो हो जाएगा, बोले नहीं फिर नौकरी करो, बोले नौकरी करा तो हो गया, हमने बोले शादी करो, बोले शादी करा तो हो गया, बोले बच्चे जन्म दो, बोले बच्चे जन्म दिया तो हो गया, बोले बेटा को लिखाई पढ़ाई करो, बोले बेटा को लिखाई पढ़ाई करते हम सोचते हैं शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, बच्चे को शादी दो, फिर सोचते हैं बच्चे को जब शादी दे देते हैं ना बेटे को भैया हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, लेकिन घर में मेरे बहू आ गई, भले ही पहले थोड़ा घर से बाहर निकल जाते थे कई सत्संग में चले जाते थे, जब घर में बहू आ गई ना घर से निकल नहीं पाते, और अगर नाती पोती हो गए तो फिर क्या, अगर बच्चे को नहीं पकड़ोगे तो बोले कि टोकर टकर कहाँ घूमते रहती हैं, कोई काम धंधा है ही नहीं, ये घूमते रहती हैं कहीं इधर उधर, कोई बच्चे को पकड़ते नहीं अपने आप घूमते रहती हैं। आप देखना ये संसार आप जितने सोचते हो निकलना चाहोगे देखना उतना फंसते जाओगे, उतना ही फंसते। आप देखना मरने का पहला तक भी 100 साल हो गया, देखना 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे ये करना ये करना वो करना और ये करना, कभी ऐसे तो बील है जिसमें एक बार फंस गए ना भैया निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, कभी ये गृहस्थी। इनकी जो चौथा प्रश्न है बोले बताओ तो बोले क्या है, बोले ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है, विचित्र विचित्र बात करता है, बोले हंस थोड़ी बोलता है, बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा हंस जो विचित्र विचित्र बात करता रहता है, आगे आ जाओ, इसलिए विचित्र विचित्र बात करता है। कहते ये क्या है, कहते हमारे वेद है, हमारे पुराण है, हमारे रामायण है, हमारी जो भागवत है ना ये बड़ा विचित्र विचित्र बात करता है। बोले क्या विचित्र बात करता है, कहते भैया तुम यहाँ के रहने वाले है ही नहीं, तुम तो रिफ्यूज होकर भी यहाँ पर आए हो, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हारी घर ये नहीं है, इसलिए बैक टू गॉड हेड अपना घर में वापस चलो, ये तुम्हारी घर है नहीं। बोले हमने बनाया ना ये सारे कागज पत्र हमारे पास में, बोले भैया जब परमात्मा चले जाएंगे शरीर से एक घंटा भी तुमको यहाँ ज्यादा रुकने नहीं देंगे, निकालेंगे घर से निकालो, 13 दिन तक अपवित्र होएंगे। आंधे भाई की छोटी सी कथा सुना, बोले एक समय कोई एक बूढ़ी माता जी थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना चाह रही थी लेकिन बस में जाना पड़ता है, उसने एक टिकट बनाया जिसका नंबर था 15, बेचारे उसको लिखा बड़ा आती नहीं, जब वो बस को अंदर में गई देखा बस पूरा खाली पड़ा हुआ, वो तो लिखी पड़ी है ही नहीं, उसने 50 नंबर सीट में बैठी गई तो थोड़ी देरी बाद में 50 नंबर सीट वाले आए, बोले माता जी खड़े हो जाओ यहाँ से, उठो यहाँ से, बोले मैंने टिकट बनाया, बोले नहीं है मेरी सीट, उठो यहाँ से,
उसने बेचारी 40 नंबर सीट में बैठी थी, लेकिन भी कही थी 40 नंबर सीट वाला है, बोले उठे यहाँ से। उसने उठ करके 30 नंबर में बैठी थी, थोड़ी देरी बाद में 30 नंबर वाला है, बोले माता जी यहाँ से उठो। वो 20 नंबर में बैठी गई, वो कहीं भी बैठे ना उनको बैठी नहीं बैठी गई, बोले भैया मैंने टिकट बनाया मेरे को बैठने नहीं दे रहे हैं, अभी देख रही है कहाँ बैठी जाऊँ मेरे को कोई नहीं उठाए। देखा सामने जो ड्राइवर का सीट सबसे अलग दिख रहा था, बोले अगर यहीं बैठी जाऊँगा तो फिर कोई उठाएगा नहीं। वो जा करके सीट में ड्राइवर का सीट में बैठी गई, बोले वाह बढ़िया सीट, अकेला सीट है। लेकिन ड्राइवर गया था चाय पानी पीने के, जब देखा लोग भर गए, इतने में ड्राइवर आकर के देखा वहां पर एक माता जी, बूढ़ी माता जी बैठी गई, बोले माता जी यहाँ से खड़ी हो जाओ, ये मेरी सीट। बोले बाबा तेरे हाथ पांव जोड़ता हूँ, ये मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, पूरा मैं बस घूम गई, मेरे को कोई बैठने नहीं देती है, मैं आराम से बैठू बेबा, मैं यहाँ से मेरे को हटाओ बस। बोले माता जी ये मेरी सीट है, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। बोले तेरे हाथ पांव जोड़ता मेरे को उठाओ मत, मैं बुजुर्ग आदमी। बोले माता जी मैं ड्राइवर हूँ, बोले मैं ऐसे थोड़ी बैठी हूँ, मैं टिकट बनाई ना। बोले टिकट दिखाओ, कितना नंबर था टिकट में, 15 नंबर था टिकट में। देखा सारे सीट में तो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 15 नंबर का जो सीट है वही केवल खाली है। बोले आ जा तेरे को बैठा देता हूँ, तेरे को कोई नहीं उठाएगा। उसको लेकर के उन्होंने ये 15 नंबर सीट में बैठा दिया, बोले कोई नहीं उठाएगा, बोले कोई नहीं उठाएगा, बात सीधा पहुँच गया। देखो ये चीज को समझो, हमारा एक टिकट, हमारा जहाँ बैठनी चाहिए ना, हम वहाँ नहीं बैठ करके रंग जगह पर बैठ जाते। आपको पता होगा एक घर बनाने के लिए आप कितना कष्ट किया, 25 साल तक तो पढ़ाई किया, 25 साल तक नौकरी किया, कितने पैसा कष्ट करके कमाया, जो कमाता उसको पता होगा। बड़े सुंदर जीवन में एक घर बनाया, क्या ये घर में रह सकते हो आप? सारा जीवन का पैसा लगा, क्या रह सकते हो? यहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, फिर दूसरे जीवन में जाते, फिर 25 साल पढ़ाई, फिर 50 साल तक पैसा कमाई, फिर घर बनाता, क्या वहाँ रह सकते हो? वहाँ भी रह नहीं सकते, हम जन्म जन्मांतर बनाते छोड़ते हैं, बनाते छोड़ते हैं, जिंदगी उसमें लगा देते हैं। क्यों? जहाँ बैठनी चाहिए ना, हम वहाँ नहीं बैठ कर रंग जगह पर बैठ गए, हम गलत जगह पर बैठ रहे हैं। बैठनी चाहिए कहाँ? बोले अपना स्थान पर। बोले अपना स्थान कहाँ है? कहते भैया बैक टू गॉड हेड, अपना घर में लौटो। हाँ जहाँ जाने पर कृष्ण कहते हैं निवर्तन्ते, जहाँ जाने से जीव कभी वहाँ से गिरते नहीं है। तो ठाकुर जी की चरण है, भगवान की धाम है, हम रिफ्यूज होकर के आए, लेकिन हमें वहाँ पर कौन बैठाएगा? बोले ड्राइवर। कौन बैठाएगा? ड्राइवर। बोले ड्राइवर कौन? बोले ये सदगुरु हमें बैठा दो, भैया यहीं पर बैठ जाओ, यहाँ किस तरह कोई उठाएगा नहीं। हाँ वो कहाँ बैठाएंगे? ठाकुर जी के चरण में बैठा देंगे, बस अपना स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बद्रीनाथ में नर नारायण रूप में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। प्रश्न है भैया तपस्या तो हम करेंगे, हम जीव हैं, ठाकुर क्यों तपस्या कर रहे हैं? ठाकुर जी को पता है ये कलयुग का जो जीव है ना, वो तपस्या कर ही नहीं सकता, इनके अंदर में ऐसी ताकत नहीं जो तपस्या करेगा, इसलिए भगवान का वरदान है। अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ आए और एक बार बद्री विशाल के दर्शन कर ले, दर्शन कर लेना, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ ये तपस्या का जो छठवां भाग का फल दर्शन मात्र से ही, इसलिए नियम है एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री जीवन में जानी चाहिए। जाओगे? कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ, ध्यान देख रहे। अगर पहले तो इतने कठिन था ये यात्रा, इतना कठिन था सोच भी नहीं सकते। पहले जब कोई वृद्ध हो जाते थे चार धाम करते थे और घर में बोलते थे देखो हमारी श्राद्ध क्रिया कर ले, क्योंकि वापस नहीं आ पाएगी, कोई प्रॉब्लम ये नहीं। ये देखे होंगे कितने सुंदर मनोरम स्थान है, बड़ा प्यारा स्थान है, लेकिन इससे सरल उपाय बताता हूँ, जो एक दिन में आप सवेरे निकलो शाम को चार धाम करके आ जाओगे। देखो आपको बताता हूँ, बोले जिस समय भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने मनोज रखा था, हे केदारनाथ, हे गंगोत्री, हे जमुनोत्री, हे बद्रीनाथ, हे लक्ष्मण शिला, हे मान सरोवर, हे गया गंगा प्रभास, जितने तीर्थ
अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए, मैं ये सारे तीर्थ जाऊंगा। नंद बाबा ने मनोत रखा, अभी कृष्ण में घर में कृष्ण जन्म हो गए। जब कृष्ण जन्म होकर थोड़ी सी बड़े हुए, उन्होंने पहले इच्छा पूरी हो जाए हम करेंगे। अभी इनकी इच्छा पूरी हो गई, घर में लाला जन्म हो गया। एक दिन नंद बाबा ये चारिधाम करने के लिए निकले। जब निकल रहे थे, इतने में कृष्ण ने देखा ये ब्रजवासी सबके साथ ये सारे तीर्थ चारिधाम करने जा रहे हैं। कृष्ण ने पूछा, पिताजी कहाँ जाओगे? बोले, लाला तू जन्म होने से पहले मैंने संकल्प लिया था, घर में लाला होगा तो सारे धाम दर्शन करने जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ये काम्य वन में प्रकट हुए, वहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, मान सरोवर, अब सारे धाम को एक साथ में ब्रज में काम्य वन में आपको दर्शन करने को मिलेगा। इसलिए हमारे 84 कोस में वहां पर परिक्रमा जाता है, 84 कोस में। अगर कभी आपकी इच्छा होगा ना, आप इच्छा करना, आपको सवेर ले जाएंगे और सांप को सारे धाम कर ले जाएंगे। इसलिए उसका नाम है आदि बद्री, आदि केदार, आदि गंगोत्री, आदि यमुनोत्री। मतलब क्या है, हम जो बड़ी दूर तक जाते हैं ना, केदार ना, वो मूल नहीं है। जैसे कृष्ण का अंदर में ये 33 करोड़ देवता है, वो ब्रज धाम में सब कुछ है, ये मूल यही आदि केदार आदि बद्री है। ठीक है, अब बताओ कौन जाना चाहते हो? आप सबको ले चलेंगे, हाथ उठा कौन लेना चाहता? कोई हाथ नहीं उठा रहे, डर रहे हो? हाँ देखो, देखो सुनो, देखो भक्ति में एक विशेष चीज है, जानते हो भक्ति में क्या विशेष चीज है? अगर आपने इच्छा प्रकाश कर दी ना, हम जाएंगे। जैसे हम कल सुन रहे थे, बोले सत्य हृदय अवरुद्ध थे अंदर, केवल भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी इसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल सुनने की इच्छा से आधा फल मिल जाती है, और जो आ जाता है पूरा फल तो मिल जाती है। अगर किसी ने इच्छा भी कर लिया, एक दिन हम जाएंगे, आपको बैठ बैठ करके समझो आधा फल आपको नहीं मिला। जो केवल इच्छा कर दिया, प्रभु की भक्ति में इतनी शक्ति है। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान केवल प्रेम की वसूलत होते। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे। श्री सुत गोस्वामी, बच्चों को माइक वाले, इसको थोड़ी सी तेज कर सकते हो थोड़ी सी? इसलिए जब श्री सुत गोस्वामी ये सारी भगवान के अवतारों की कथा सुना रहे थे, सुनाते उन्होंने बीच में बोल दिए, भगवान कृष्ण भी एक अवतार है। सुत गोस्वामी तो डर गए, मैं तो गड़बड़ी कर दी। बोले क्यों? बोले मैंने कहा कृष्ण भी अवतार, कहती ये कृष्ण अवतार नहीं, ये कृष्ण अवतारी, ये स्वयं ब्रह्म है। अवतारी मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए उन्होंने फिर कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक लिखते हैं, कहते ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम इति चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोकम मृणयन्ति युगे युगे। सुत गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रही है, सब लोग का आपने न्योता दिया, लेकिन मोदी को भी न्योता दिया, आपका कोई विशेष बंधु लगता है मोदी को भी न्योता दिया। अभी आम व्यक्ति आकर के जहाँ बैठ करके भोजन कर रहे थे, आपकी ध्यान नहीं रहा, मोदी भी आकर के उसी लाइन में बैठ गया, वहीं पर बैठ गया। अगर आपकी निगाह पड़ेगा मोदी को ऊपर में, फिर क्या करोगे? फिर आपको उसको लेकर के एक अलग जगह दे करके बैठाओगे, उसको विशेष स्वागत करोगे। बोले क्यों? कहते वो प्राइम मिनिस्टर है। कहते उसी तरह श्री सुत गोस्वामी जब सारे अवतारों का नाम ले रहे थे, उन्होंने जब नाम उन्होंने कृष्ण की ले लिया, बोले भैया आपने गड़बड़ी कर दी। फिर उन्होंने सोने के सिंहासन में भगवान कृष्ण को सबसे ऊंचा सिंहासन पर बैठाए, और बैठा कर घोषणा किया, बोले देखो मैंने पहले जो बताया मैंने गलत बोल दिया,
इसलिए बोले इतने चार से कला पुन सब, ये जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है, इनकी कोई अंश और अंश की अंश कला है, लेकिन जो कृष्ण है ना ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए जो द्वादश जो सोलह कला में ये कृष्ण परिपूर्ण, ये सोलह कला में कृष्ण परिपूर्ण है, इसलिए कृष्ण को अवतारी बताए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामी जुगे जुगे, मैं ही जुग जुग में धर्म स्थापन करने के लिए जब जब जरूरत पड़ता है मैं जगत में आकर के धर्म को स्थापन करता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर श्री सोनोकाद ऋषि लोग को प्रश्न करते हैं, बोले हे सुत गोस्वामी, जैसे हमारे नरेश प्रभु जी भागवत कथा करवा रहे हैं, अगर आपने अपने सब लोग को निमंत्रण दिए होंगे भैया कथा सुनने के लिए आना, कथा सुनने के लिए आना, अगर किसका छोटे मोटे कोई काम होगा ना, बिजनेस होगा, नौकरी होगा, बोले मेरे पास में कथा सुनने का समय नहीं है, मैं अपना बिजनेस नौकरी हमारे पास है। लेकिन उसी समय परीक्षित महाराज ने, वो छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब है ये संपूर्ण ये पृथ्वी के ऊपर ये राजत्व कर रहे थे, श्री परीक्षित महाराज चक्रवर्ती राजा। पहले ये पृथ्वी एक था, बाद में सब विभाजन हो गया, बाद में ऋषभ देवता बच्चे से सबके सब ये विभाजन हो गया है, लेकिन पहले ये पृथ्वी एक ही था, इसलिए हम कहते ना ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों पड़ा, बोले ये और पांडवों का ये अस्त्रगार था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्थान है, वहाँ पर मरुभूमि है। बोले क्यों, बोले अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वहाँ पर उन्होंने परीक्षा किया था, जिस एटम बम है ना ये ब्रह्मास्त्र में से, इसलिए वहाँ पर पार्थ, पार्थ मतलब क्या, अर्जुन का नाम पार्थ है, वो पार्थ का नाम से पार्थ है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान का नाम ब्रिजबीन है, कहते हैं ब्रजबंध जैसे वृंदावन के तरह ब्रिजबीन। रसिया मतलब क्या है, कहते ऋषि मुनियों का ये भजन स्थल था। इसलिए यहाँ पर सौनकादि ऋषि लोग को प्रश्न करते हैं, भैया उसी समय परीक्षित महाराज संपूर्ण पृथ्वी को पर राज्य तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे काम धाम को छोड़ कर दी, उन्होंने एक जगह पर उन्होंने सात दिन तक बैठ कर कथा सुनी, सात दिन कथा सुनी। बोले क्यों बैठ कर कथा सुनी, और श्री सुखदेव गोस्वामी वो भी कोई साधारण कोई ऋषि मुनि नहीं थे, किसी एक स्थान पर उतना समय टिकते थे जितना समय गोदान होने में लगे, नहीं तो एक स्थान पर ज्यादा समय ये टिकते नहीं थे। 16 साल तक जिन्होंने मुंह नहीं खोली, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोले ना, सात दिन तक मुंह बंद ही नहीं किया, सात दिन तक कथा सुनाते रहे। फिर ये व्यास देव जी ये सारे भागवत इस ग्रंथ को रचना क्यों की, मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा आप कृपा करके ये सारे प्रश्न की आप उत्तर दो। जब उन्होंने प्रश्न की तब सुतो गोस्वामी इसकी उत्तर देते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये जुग पर जाए प्यास पराशर उद्गी दास व्याम कल्याणी। कहते जो व्यास देव है, कहते ये भगवान की ये सत्या वैसे बता रहे, कहते ये व्यास नारायण स्वयं, उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा है कलयुग आएगा। पहले ये ग्रंथ पर तो कुछ नहीं होता था, क्योंकि लोग का इतनी दिमाग होता था, क्योंकि पहले प्योर चीज मिलता था खाने के लिए, प्योर चीज मिलती थी, उनको सारे वेद पुराण रटाते रटाते सब रट लगे। आप लोग जो बड़े बूढ़े होंगे ना, देखना पहले जब स्कूल में जाते थे हाँ, पेड़ को नीचे टीचर बैठा करके सब चीज रटाया करते थे, अभी तो कंप्यूटर हो गया है और सब ये सब चीज हो गई, अलग अलग चीज हो गई, हिसाब कैसे करने चाहिए सब चीज हो गई, पहले मुंह मुंह में हिसाब कर लेते सबके सब मुंह मुंह, ये कोई मैसेनी वैसेनी कोई जरूरत नहीं होती थी, इतने उनकी दिमाग चलती थी। इसलिए व्यास देव ने देखा कलयुग आएगा, कलयुग में बुद्धि धीरे धीरे ह्रास होती जाएगी,
इसलिए उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित कर दिया। फिर उन्होंने उपनिषद बनाया, ब्रह्म सूत्र बनाया, फिर उन्होंने पंचम वेद उन्होंने श्री महाभारत बनाए जिसमें भगवत गीता आदि है। लेकिन ये सब कुछ रचना करके भी इनके मन को शांति नहीं मिली, बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे। एक दिन श्री नारद जी भगवत इच्छा से श्री नारद जी वहां पर वीणा बजाते बजाते आते हैं, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। और व्यास देव को बोले व्यास देव लगता है क्यों दुखी हो, बोले गुरु जी आप सही बताए, आपका नाम गुरु है ना, गुरु मतलब क्या है, बोले गुकार अंधकारत्वात् गुकार तस्य निरोधः, जो हमारी हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जो दिव्य आलोक प्रकाश कर दे वो गुरु है। बोले गुरुदेव आप सही बताए, मैं तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ बनाए लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है मेरे को अशांति क्यों लगता है, इसमें किसी चीज की कमी है, लेकिन आप गुरु जी है ना आप ही बता सकते इसमें कमी क्या। तब श्री नारद जी कहते हैं, बोले देखो, बोले जथा धर्म व्यवस्चार था मुनि न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णित, तुमने दूसरे दूसरे धर्म को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताया ना, जीव का जो असली धर्म है उसको बाद में तुमने बताया नहीं। अगर तुमने जो ग्रंथ बनाया उसको कोई सचमुच कोई पढ़ लेना वो बड़ी भ्रमित हो जाएगा, अभी सोच नहीं पाएगा पूजा करे तो किसको करे। अगर शिव पुराण को पढ़ो वहां पर लिखा हुआ सत्यम शिवम सुंदर, जो शिव पुराण पढ़ेगा तो बोला शंकर जी से कोई बड़ी है ही नहीं। अब देवी पुराण में पढ़ लो बोले वही जगदम्बा जगह चली, इनसे तो सारा दुनिया सृष्टि होते हैं। आ कहीं ब्रह्मा ब्रह्मा वैवर्त पुराण को पढ़ लो बोले ब्रह्मा ही सब कुछ, जहाँ पर सूर्य की महिमा उसको पढ़ो दुनिया को तेज देने वाला तो सूर्य है, गणेश जी की महिमा सुनो बोले सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना पड़ेगा। कहते अगर ये सारे ग्रंथ आप पढ़ लोगे ना आप भ्रमित हो जाओगे, पूजा करना तो किसको करना नहीं करना, बड़े भ्रमित हो जाओगे, भले भविष्य में इसको लेकर बड़े लड़ाई झगड़ा लो करेंगे। बोले गुरु जी आप ही बताओ मुझे क्या करनी चाहिए, बोले देखो जो जीव है जीव एक जीव का जो स्वरूप है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांश जीव लोक जीव भूत सनातन, के जगत में जितने जीव है वो सनातन है मेरे अंश है। इसलिए जगत में तो 33 करोड़ देवता कितने को मनाओगे, आज किसको मनाओ, अगर कोई गड़बड़ी हो गया ना भाई भाई चलो वहां पर और कोई देवता है चलो वहां पूजा करो, वहां पर पूजा की अगर नहीं हुआ वहां पर और ही कोई नया देवी निकली चलो वहां से हैं। अगर 3 में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा कर लिया ना 30 दिन में कितना हो गया 30 करोड़, अभी 3 करोड़ बाकी रह गया कि नहीं। इसलिए बोले अभी तुम तिल भर करके भगवान न तथा वासुदेव महिमा जनवर्तित, तो भगवान कृष्ण की महिमा को गाओ, क्यों
देखो ध्यान देकर इतनी चीज को समझ लो, जिस समय अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था उसी समय भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया। देखे कि नहीं विराट रूप, कहते हे अर्जुन जिसको तुम शंकर कह रहे हो देखो शंकर मेरे भी है, जिसको माँ देवी कहते हो देखो देवी मेरे भी है, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे भी है, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे भी है, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो देखो ये 33 करोड़ देवता मेरे अंदर। यहाँ तक भी मत्स्य कुर्मा वराह नृसिंह बामन परशुराम जितने अवतार हैं भगवान कृष्ण विराट रूप में सब कुछ दिखाया। हे अर्जुन मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे से कोई परतत्व नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है। इसलिए कृष्ण लास्ट में जाकर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तो सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। बोले पाप नहीं लगेगा, फिर पाप नहीं लगेगा। कृष्ण फिर क्या कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। मां सोचो कोई चिंता करने का बात नहीं, क्यों विश्व ब्रह्मांड मेरे से ही सृष्टि हुई है। तब उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाए। पहला उदाहरण दिया, आप भी दिमाग में चीज को बैठा लो, नहीं तो हम भी भ्रमित होते रहते हैं, हम इसको पूजा करें ना उसको करें ना उसको करें। उन्होंने दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया जैसे कि वृक्ष है, पेड़ है, अगर पेड़ का जड़ में अगर पानी डाल दिया ना देखना वो पेड़ पूरा हरा भरा रहेगा। अगर किसी ने जड़ में पानी नहीं दिए उसको पत्ते में पानी देते रहे, उसका फूल में दे उसमें फल में दे, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं। दिन भर आप जड़ में नहीं दे रहे हो उसका फल में फूल में और पत्ते में पानी दे रहे हो, टहनियों को दिन भर धो रहे हो लेकिन जड़ में पानी नहीं दे रहे हो, आप बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं। लेकिन आप कहीं भी पानी नहीं दे रहे हो उसका जड़ में पानी दे रहे हो, पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं। रहेगा, क्यों, आप जड़ में पानी दे रहे हो। दूसरा उदाहरण दिया जैसे भोजन, आप भोजन कहाँ पर देते हैं, मुंह में देते हैं, कोई क्या आंखों में देता है कि नहीं, आप तो आंखों में देखते हैं थोड़ा आंखों में डाल दे दो, कान में सुनते थोड़ा रोटी दे दो, हाथ में काम करते थोड़ा सब्जी दे दो, आहार कहाँ देते हैं, कहाँ देते हो, मुंह में। जब मुंह में आहार देते हो पूरा ये शरीर पूरा के पूरा काम करता है, पूरा के पूरा काम करता है, फिर कहीं भोजन देने का जरूरत नहीं। भगवान के तो उसी तरह जब भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, किसको पर जब हरि की कृपा हो जाती है ये 33 करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाते। भगवान कृष्ण राम ऐसे के देवता है। आप लोग ने राम का नाम सुनेंगे नहीं सुने, जब श्री हनुमान जी को ये मेघनाद बांध करके लंका में ले गया, रावण को सामने खड़े कर दिया, उसने देखा उसको पिता घर में झाड़ू लगा रहा है पवन देव, देखा अग्नि को देखा उसको घर में कपड़ा धुलाई कर रहा है, ब्रह्मा जी को देखा वेद सुना रहा था, और ये नवग्रह है ना चारी तरफ में बांध करके रावण रखा और काल के ऊपर में प्यार रख करके बैठा हुआ। बोले हे भगवान इतने पराक्रम रावण ने सबको खुश कर दिया था लेकिन उसने एक राम को खुश नहीं कर पाया, एक प्रभु राम का खुश नहीं कर पाए, लंका जल करके राख हो गया। लेकिन विभीषण ने क्या किया, केवल एक प्रभु राम के चरण को पकड़ लिए, अभी उसने रावण को मारे ही नहीं, राम ने रावण मारे ही नहीं। जब विभीषण केवल प्रभु राम के शरण में आ गए अभी रावण को नहीं मारे, भगवान ने राम उसको राज तिलक लगा दिया, राज तिलक लगा दिया रावण का, आज से तुम लंका का राजा आज तुम हो। केवल प्रभु राम की चरण में शरण होते ही पूरा लंकापुरी उसको हो गया, पूरा लंकापुरी उसको हो गया, राजा उसने बन गए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान को जब भक्ति कर लेते हैं सबकी भक्ति हो जाती, बोले जितने देवा देवी है बोले सबका आदर कर, किसको अनादर नहीं करनी चाहिए, सबसे जितने शंकर जी कौन है बोले वैष्णव नाम यथा संभव, भगवान की सबसे प्यारे भक्त शंकर जी है।
माता जी कौन है? ये परम वैष्णवी है। इनकी कृपा से भगवान की भक्ति मिलती है, इनसे प्रभु की भक्ति मांगो। हनुमान जी कौन? राम के परम भक्त है, इनसे भक्ति मांगो। गणेश जी कौन है? जब व्यास देव सारे ग्रंथ बोले, गणेश स्वयं लिखे, सारी चीज को लिखे। इसलिए जितने देवा देवी है वो सब कैसे भगवान की भक्त है, इनसे प्रभु की भक्ति मांगो। लेकिन अपना हृदय में है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, जोर से बोलो, हृदय में केवल ठाकुर को बैठाओ, हृदय में और किसी को स्थान, हृदय में केवल भगवान कृष्ण को बैठाओ। जैसे घर में कोई एक लड़की शादी होकर के आती है, देखना घर में जेठ भी होती है, देवर भी है, ननद है, सबका सम्मान देना पड़ता है। लेकिन हृदय में किसको बैठाती है? वो हृदय में किसको बैठाती है? अपना पति को हृदय में बैठाई, हृदय में और किसी को वो स्थान नहीं देती, वो केवल श्री पति को ही स्थान देती है। इसलिए हृदय में क्या करो? हृदय में भगवान को बैठाओ, हृदय में और किसी को मत बैठा करो, और सबको आदर दो, सबसे भगवान की भक्ति मांगो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए श्री नारद जी ने कहा, व्यासदेव अभी तुम ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो, जिसमें भगवान और भगवान की भक्तों की महिमा को जिसमें अच्छे तरह से इसकी वर्णना करो, और तुमको हृदय में शांति की प्राप्ति होगी। और श्री नारद जी ने कहा, देखो व्यास देव, तुमने क्या लिखा, तभी भगवान की भजन करना, देखो ध्यान देकर सुनो, तभी भगवान की भक्ति करना जब संसार से संपूर्ण रिटायर लाइफ हो जाएगा ना, संसार करते करते जब किसी काम की नहीं रह गए, बूढ़े हो गए, तभी भगवान की भक्ति, तभी इतना कर लेना, प्रभु का नाम भजन कर लेना। नारद जी ने कहा, व्यास देव, संसार करते करते किसको विरक्ति आती है कभी? आप लोगों से बड़े बड़े हो गए होंगे, आप देखना जितनी उम्र होती जाती है ना, संसार से आसक्ति दूर किया होगा उतना ही संसार में चिपक जाती है। आप देख लेना जितने बूढ़े बड़े होते हैं, आज की नाती को हो गया, बेटा का ये हो गया, वो देखना उतना ही संसार में उतना ही आसक्ति बढ़ती जाती है। संसार करते करते किसको संसार से विरक्त कभी होती ही नहीं, ये संसार से विरक्त होना बड़ा कठिन। तब से नारद जी बोले, देखो मैं तुमको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बोले क्या कथा सुना? बोले एक समय श्री नारद जी, अब ध्यान देकर सुनो, एक समय श्री नारद जी इसी मरते जगत में आए और घर घर में गए, सबसे पूछे ठीक ठाक हो, सबके सब तो सही लाया ठीक ठाक से, लेकिन सबका जब अंदर की बात सुने ना, देखा दुनिया में कोई ठीक ही नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी दुखी दुखी, बंद देखा सबके सब संसार में, संसार में देखा सबके सब दुखी है। इतने में नारद जी वैकुंठ में गए, वैकुंठ में गए तो देखा वैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ। बोले ठाकुर जी, संसार में सब दुखी दुखी, आप कुछ लोगों को वहां से उठा करके ले आओ ना, कोई आपका चंदन घिसेगा, कोई रोसी बनाएगा, कोई साफ करेगा, पूरा यहाँ वैकुंठ खाली पड़ा हुआ। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी मैंने 24 अवतार लिया है, लेकिन कोई भी ये संसार की मोह छोड़कर काबू नहीं चाहते। बोले क्यों? दुनिया में देखा सब दुखी दुखी, कोई आना नहीं चाहते। बोले नहीं, बोले प्रभु आप तो बहाना बाज बनाते, मेरे पर विश्वास नहीं होता। बोले नारद जी ये दायित्व मैं तेरे ऊपर देता हूँ, जितने जीव मिले हैं ना उनको पकड़ करके ले आओ वैकुंठ में ले आओ। बोले प्रभु मैं आज कसम खा करके जाता हूँ, आज ये वैकुंठ भर जाएगा, कोई खाली नहीं रहेगा। इतने में श्री नारद जी ये मरते जगत में नारद जी आए, आ करके देखा एक किसान जेठ के महीना में खेती कर रहा था, शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, बोले तो जरूर जाएगा, बड़ा कष्ट कर रहा था। बोले बेटा भगवान का निर्देश है, जितने जीव मिले वैकुंठ ले आओ, वैकुंठ चलोगे? बोले अपना रास्ता देख। बोले वैकुंठ चलो, हम खेती कर रहा हूँ, अपना संसार है, कहते कोई काम धाम नहीं, वैकुंठ अपना रास्ता देख। और थोड़ी दूर गए, देखे कि माता जी कुएं में पानी भर गए। बोले ये तो जाएगी,
बोले माता जी वैकुंठ चलोगे? ठाकुर जी बोले जितने जीव मिल ले आओ। बोले बाबा अभी घर में जाकर रसोई बनाऊंगी, खाना खिलाओगी सबको, तुम कह रहे हो वैकुंठ चलो, मेरे पास में कोई समय नहीं। अभी नारद जी जिसको पूछे ना कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। बोले भैया ठाकुर तो सही बता रहे थे, कोई तो जाना नहीं चाहते। देखा घर को सामने 80 साल के एक वृद्ध बैठा हुआ। बोले ये तो जरूर जाएगा, वृद्ध हो गया कोई घर का काम धाम है नहीं। बोले भैया आपका नाम क्या? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले वैकुंठ ले आओ, वैकुंठ चलोगे? बोले हाँ मन में तो इच्छा जाने का, लेकिन केवल एक काम केवल बाकी रह गया। बोले कौन सा काम है? बोले बेटा का सगाई हो गई, अभी बेटा का शादी हो जाने वाली, जब शादी हो जाएगा ना सारे काम खत्म, फिर तो मैं वैकुंठ जाऊंगा। नारद जी ने देखा अभी तक तो कोई राजी हुए नहीं, कम से कम एक व्यक्ति हाँ भरे, नारद तो उसको पीछे ही पड़ेगा। बोले कब आओ? बोले बेटा का शादी होने वाले तब आ जाना। नारद जी कुछ दिन बाद में आए। बोले क्यों नारद, क्यों कैलाश, बेटा का शादी हो गया कि नहीं? बोले आपका आशीर्वाद से घर में बहुत अच्छी बहू आई, सवेरे उठ करके प्यार छूती है और गरम गरम रोटी घी में लगा करके गरम गरम रोटी खिलाती है, बड़ी सेवा करने वाली बहुत अच्छी बहू आई। बोले बेटा का शादी हो गया अभी चलो वैकुंठ में। बोले देखो मैंने सुना है जब पुत्र को जन्म देते हो पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, अगर नाती पोती का मुंह देखो तो कहते स्वर्ग होता है। मन में कोई इच्छा नहीं, अभी बहू गर्भवती है, अभी एक बच्चा जन्म देने वाले, बास नाती का मुंह देखो और सीधा वैकुंठ चलूंगा। बोले देखो क्या संसार का दशा है, कहता था बेटा का शादी हो गया जाएगा, कहता बेटा हो नाती को मुंह देख करके। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। कुछ दिन बाद में आते हैं, आकर देखते हैं वो है ही नहीं वहां पर। बेटे से पूछा भैया पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, बड़े कष्ट से एक चेला बनने वाला था वो चेला भी स्वर्ग चला। अभी नारद जी ने देखा ये कहीं नहीं गया, क्यों? कृष्ण गीता में खुद कहते हैं हे अर्जुन जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाविभावि। ये गीता का श्लोक है। बोले अंतिम समय में जीव जैसे चिंतन करते करते प्राण त्याग देता है उसको वैसे जन्म होता है। हम आगे कथा सुनेंगे, ये भरत महाराज का कथा सुनेंगे, इन्होंने कैसे हिरण की चिंतन करते करते अगले जीवन में वो हिरण जो कैसे प्राप्त किया। बोले भैया ये तो कहीं गए नहीं, क्योंकि घर में इसका बड़ा आसक्ति था, ये गया कहा? जरूरी घर में जन्म लिया, ध्यान लगा करके देखा सचमुच से घर में कुत्ते रूप में जन्म लिया, घर में कुत्ते बन करके आया। नारद जी बोले भैया तू घर के कुत्ते बन गए, अभी तो वैकुंठ चल। बोले गुरु जी देखो ये जितने प्रॉपर्टी है ना, ये जितने जमीनी जगह है मैंने कष्ट करके कमाई, ये बच्चा क्या करता रात को सो जाता है, कौन उठा करके क्या चीज ले जाए उसको ध्यान नहीं रहता, इसलिए रात भर भोग भोग करते करते मैं पहरादार देता हूँ। बोले देखो कितने आसक्ति संसार में। बोले कब जाओगे? बोले बच्चा थोड़ी सी होनहार बन जाए, ठहर आए। कुछ दिन बाद में देखा कुत्ता नहीं। बोले गया कहाँ? बोले कुत्ता तो चला गया, शरीर छोड़ दिया। बोले ये घर में जरूर जन्म लिया, ध्यान दिया तो देखा घर में बैल बनकर खेती कर रहा है। बोले बेटा अभी तक चल। बोले गुरु जी जितने जमीन जगाते हैं ना मैंने किया है, सब मैंने खरीद किया है, ये खेती नहीं करता छोड़ देता है, इसलिए उसको जोर जबरदस्ती लेकर के खेती करवाना पड़ता है। बोले चलोगे कब? बोले थोड़ी सी समझदार बन जाएगा, फिर चले जाते हैं। फिर जब आते हैं वो बैल भी नहीं रहता। नारद ध्यान लगाए, आपको पता होगा पहले लोग सोने चांदी कहाँ रखते थे? सोने चांदियों को घर में कहीं गाड़ करके खेतियों में, नहीं तो जमीन में कहीं गाड़ देते थे, चोरी नहीं हो जाए। लेकिन इन्होंने कहीं कहाँ पर उन्होंने गाड़ करके रखा उनको याद था, अभी उसको ऊपर में तो सांप बन करके बैठा हुआ, उस स्थान को किसी तरह से छोड़ता नहीं। नारद जी ने देखा जब तक डंडा नहीं बढ़ेगा ना ये ठंडा होने वाले नहीं, इसको पीछे मैंने 3 जन्म मैंने भटक दिया। उसने अपना बेटे को बुलाया, बोले बेटा एक काम करके डंडा लेकर आया। बोले क्यों? बोले तेरे पिताजी बगीचा में एक घड़ा में कुछ सोने चांदी की मोहर गाड़ कर गए, लेकिन उसको ऊपर में एक सर्प बैठा हुआ है, उसको मारना नहीं केवल उसका कमर तोड़ देना
और उसको ले लेना। उसने आया और अपना पिताजी की कमर पर मारा डंडा, मारा तो उसको कमर ही टूट गई। बोले उसको फेंको और खोदो। खोदा तो सचमुच से वहां पर एक एक कलसी निकला और जिसमें सोने चांदी की मोहर था। जब वो ले जा रहा था, सरपनी आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा था, क्योंकि उसको आसक्ति वहां पर उसकी आसक्ति बनी हुई थी। देखो आप लोग बोलोगे सब गप्पे ही, सब बेकार बात है। कल आपको मैं एक पेपर में कुछ दिन पहले कथाघर में झाड़ग्राम गया था, नाम सुने बंगाल में झाड़ग्राम। जब मैंने ये कथा सुना रहा था, एक व्यक्ति ने एक न्यूज पेपर लेकर के आया। बोले महाराज जी आप जो सुना रहे हो सही सुना रहे हो। बोले क्या है? कल आपको मैं दिखाऊंगा, मैंने मेरा आईपैड में उसका मैंने पिक्चर लिया है, उसे पिक्चर लिया आपको कल मैं दिखाऊंगा। कहते इसमें एक व्यक्ति के घर की भित्ति खनन कर रहे थे, नीम खोद रहे थे। जब नीम खोद रहे थे, फावड़ा से मिट्टी खोद रहे थे, इतने में झन करके आवाज आई। बोले भैया आवाज क्या हुई? उसने खोदे तो उसमें दो कलसी निकली, पीतल की दो कलसी निकली और उसमें सोने और चांदी की कुछ मोहर रखा हुआ था और दो जहरीले सर्प वो कलसी में लपेट करके बैठे हुए थे। किसी तरह से वो सर्प उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इतने में पुलिस में खबर हो गई, दो कलसी निकली जिसमें सोने चांदी की जिसने में मोहर है और दो जहरीले सर्प उसको लपेट करके बैठे हुए। अभी पुलिस आ गई वहां पर और पुलिस आकर के वो जो दो सर्प थे ना, वो दोनों सर्प को उन्होंने बोरी में भरी, बोरी में भर करके 3 किलोमीटर दूर में छोड़ करके आए। देखा ठीक आधा घंटा के बाद में फिर वो दो सर्प फिर वही घूम रहे। कल आपको न्यूज आपको दिखाऊंगा, मेरे पास में वो है। वो कौन सा गांव, कौन सा जगह, कौन सा स्थान पर है, वो डिटेल से उसमें लिखा हुआ। इसलिए मैंने इसको फोटो लेकर के आया हूँ, कल आपको दिखाऊंगा। इसको गप मत मानो, ये कृष्ण स्वयं गीता में ये बात खुद कहते हैं। जम जम व्यापी शरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव लागत। ये गीता का श्लोक है। बोले हे अर्जुन, जीव जैसे सोच सोच करके अपना प्राण छोड़ता है, उसको ठीक वैसे ही उसकी जन्म होता है। फिर कोई कोई व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं मानते। आप देखना कोई कोई व्यक्ति पुनर्जन्म, आपको कल मैं दो पिक्चर दिखाऊंगा ये पुनर्जन्म कैसे है। आपके कल आपको दो न्यूज पेपर दिखाऊंगा आपको, और दो न्यूज पेपर में उसको मैंने काट करके रखा है ये पुनर्जन्म कैसे होता है और कहां कहां पर किसकी हुई, आप डिटेल से वो लिखा हुआ कल आपको मैं दिखाऊंगा। इसलिए इसको गप्पे मत मानो। अरे जो शास्त्र से बेकार बात कहा है, कौन किसने देखा पुनर्जन्म को है। इसलिए अभी श्री नारद जी अभी उन्होंने सर्पों को बोले, क्यों कैलाश अभी भजन करोगे? बोले गुरु जी अभी मैं भजन करूंगा, ये बेटे को पीछे मैंने 3 जन्म मैंने भटक गया लेकिन ये बेटा सुधरा नहीं, 3 जन्म मेरे गया, अभी 3री जन्म में उसने फिर इंसान बन करके जन्म लेता है। फिर नारद जी उसको मंत्र प्रदान की, मंत्र प्रदान करके नारद जी जब उसको वैकुंठ लेकर गए, भगवान ने कहा नारद जी कितने लोगों को लेकर के आए हो? तो बोल रहा था ना एक दिन में वैकुंठ भर दोगे, कितने लोग करके लेकर के आए? बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे थे, ये संसार की माया से कोई भी निकलना नहीं चाहते। इसलिए नारद जी व्यास को बोले, व्यास अभी तुम भगवान की सुंदर सुंदर चरित्र सुनाओ, भगवान की भक्ति की प्यारी प्यारी तुम कथा सुनाओ, जिसको सुन करके धीरे धीरे लोग भगवान के चरण में अपना मन को लगाए और जी भगवत चरण को प्राप्ति करें। नारद जी इतना बोल करके नारद जी चले गए और श्री व्यास देव जी भक्ति युक्त समाधि को द्वारा समाधिस्त हुए और वो करके उन्होंने संपूर्ण गोलोक वृंदावन को उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने, इसको समाधि ग्रंथ कहते हैं। देखो चीज को समझो, अब ये मत समझो अरे ये ग्रंथ तो इंसान ही बना दिया। कोई कोई कहते हैं ना अरे गीता भागवत तो इंसान बना दिया, ये बनाया कौन, इसको तो इंसान ने बना दिया। इसलिए कुछ कुछ लोग का कहना है, आप लोग गीता पढ़े हो? कौन कौन गीता पढ़े हो? देखना
कृष्णा जब अर्जुन को ये गीता की उपदेश दी, कृष्ण स्वयं कहते अर्जुन तुम ये मत समझो अभी मैं ये गीता तुम्हें बोल रहा हूं, नहीं मैंने भगवत्ता मन्नोतर में यही गीता उपदेश मैंने सूर्य को मैंने प्रदान की थी। ये जो गीता ग्रंथ है ये नित्य है, जैसे कहते ना जता जता ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए धर्म की हानि होने लगती है, जैसे भगवान इसी जगत में अवतीर्ण होते ही ठीक उसी तरह कद ठीक उसी तरह जो ग्रंथ है ये जो वेद है ये जो पुराण है कद ये नित्य है, भगवान की धाम में नित्य रहता है, जब जब जरूरत होता है पृथ्वी पर भगवान निमित्त बना करके फिर जगत में पुनः जगत में प्रकट होता है, प्रकट होकर के हमें सदमार्ग दिखा करके फिर अपना घर में ये हमें ले जाते हैं। उसी तरह जो भागवत ग्रंथ ये मत समझो ये व्यास देव ने लिख दिया है, नहीं आप भागवत पढ़ करके देखो तो भाई ये श्लोक है बोले भक्ति जोगेन सम्यक प्रणहित मले अपश्यम पुरुषंग पूर्णं माया च तत् अपाश्रय, इसलिए भागवत को समाधि ग्रंथ बताया। समाधि ग्रंथ मतलब क्या है, कहते ये भागवत ग्रंथ ये भगवान के धाम में नित्य विद्यमान है, जैसे भगवान इस जगत में उतरते हैं जब जरूरत होता है जगत में तब ये ग्रंथ स्वयं इसकी निमित्त बना करके फिर ग्रंथ इस जगत में प्रकट होते हैं, फिर जब धर्म स्थापन हो जाता है जैसे ठाकुर चले जाते हैं ये ग्रंथ भी इस जगत से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर जब जरूरत होता है लोगों को सत ज्ञान देने के लिए फिर जगत में ये ग्रंथ पुनः जगत में पुनः प्रकट होकर के हम सबको ज्ञान प्रदान करते ग्रंथ, इसलिए इसका नाम कहते शास्त्र। क्या नाम कहते हैं शास्त्र, शास्त्र मतलब क्या है बोले शास्यति इति शास्त्र, जैसे बच्चे अगर कभी गलत रास्ता पर जाए पिता माता क्या करते हैं शासन करते हैं ना, बोले बेटा नहीं ऐसे नहीं करना पढ़ाई ठीक से करो, अभी तुम्हारी पढ़ने का उम्र मोबाइल मत देखा करो टीवी मत देखा करो स्मार्टफोन मत लो पढ़ाई करो अभी तुम्हारी पढ़ाई का उम्र है, नहीं ये गलत काम है सवेरे उठो पिता माता की चरण छुओ, बोलते ना पिता माता की चरण छुओ पिता माता की ये अच्छी काम नहीं है, कि जैसे पिता माता शासन करते हैं ये जो वेद है ये हमारे पिता है, ये भागवत किया बोले माँ है, वेद किया है पिता, भागवत किया ये माँ, इसलिए इसका नाम कहते शास्त्र। शास्त्र मतलब होता है अगर हम कभी गलत रास्ता पर चलते हैं ये हमें रोकता है, नहीं बेटा ये गलत काम है कभी किसकी ऐसे कष्ट वचन बोलना नहीं, हाँ ऐसे वाणी बोलो जैसे दूसरा हृदय में कोई ठेस नहीं पहुंचे, मीठी मीठी वाणी प्रयोग करो हैं, मछली मत खाओ शराब मत पियो मांस मत खाया करो जुआ मत खेला करो, ये शास्त्र में शासन करके अगर हम गलत रास्ता पर जाते हैं ये हमें रोकते रहते हैं, इसलिए इनका नाम कहते शास्त्र, मतलब हमें जो शासन करके हमें जो सही मार्ग में हमें ले जाए इसलिए इसका नाम शास्त्र कहते हैं, इसलिए श्री व्यास देव जी ने अपना हृदय में भगवान के दिव्य उन्होंने धाम को दर्शन किए, उनकी जैसे टीवी में जैसे सीरियल है इनके हृदय में वो सीरियल रूप में प्रकट हुआ, फिर व्यास देव जी ने ये ग्रंथ को फिर उन्हें रचना की, इसलिए इसको समाधि ग्रंथ कहते हैं, उनने जैसे देखा हमने वैसे उन्होंने लिखा ये भागवत को, बोले भैया ग्रंथ तो बड़े सुंदर हो गया लेकिन ये ग्रंथ हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे किसको, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी जिनके लिए हमने ये ग्रंथ बनाया था लेकिन वो जन्म से ब्रह्मज्ञानी बन करके चला गया, ब्रह्मज्ञानी बन गया इसलिए अब इसको वापस कैसे लाए, कहते श्री व्यास देव की चार चेले थे, उनने चार चेलों को बोले देखो मेरे कहीं एक तोता उड़ते हुए चला गया, वो तोते को पकड़ करके ला सकते हो, बोले गुरुजी जंगल में बहुत सारे तोते हैं अभी हमें क्या पता आपका कौन तोता हमें क्या पता, बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं मैं तुम चार चेलों को मैं चार में मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपने आप जो पकड़े में आएगा समझना ये मेरे तोता है, उनने जो पहला चेले को
पहला मंत्र सिखाया वो मंत्र कौन है जिसको श्री राधा रानी भागवत में कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण कितने प्यारे हैं, इसको राधा रानी अपना मुंह से श्री बांके बिहार की सुंदरता को वर्णना की, कहती ये मंत्र है। देखो मंत्र क्या है, बोले बरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत बास कनक कपिशयम वैजयन्ति च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। यदि ये श्लोक में कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण इतने सुंदर इतने सुंदर, कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती है, बोले क्या ताना मारती है, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करो। वो कहते अच्छा हुआ भगवान ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, क्योंकि तू इतने सुंदर है ना। कहते कमनीय कोटि कंदर्प विशेष स्वभाव, कटी कोटि काम देव विजन को सामने परास्त हो जाएंगे, कृष्ण इतने सुंदर हैं। अच्छा हुआ तेरे को लाला बना दिया, अगर लाली होता है ना तू इतने सुंदर, अगर लाली होती विश्व ब्रह्मांड तेरे को पाने के लिए युद्ध करके मर जाते, इतने तुम सुंदर हो हैं। कहती है कृष्ण की सुंदरता की। यहाँ पर एक उदाहरण दिया, कहते हम भजन करेंगे तो कृष्ण भक्ति क्यों करेंगे, इसमें कारण क्या है, तो उसको उदाहरण दिया। देखो जैसे इसी जगत में आप किसी लड़की को कहीं साथ देना चाहते हो, सर्वप्रथम क्या देखोगे, वो बेटा देखने में कैसे, भले ही कोई चीज मत देखो, देखोगे वो बेटा देखने में। इसलिए कभी कहते ना भैया बेटा का पार्सनल तो बड़ा सुंदर है, भले ही कोई चीज मत देखो पहले देखो कितने सुंदर है। इसलिए कहते भैया बांके बिहारी इतने सुंदर है, कहते है ना बांके बिहारी की देखे छटा देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देखे छटा देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। Oh,
पीछे घर से बैठे हैं, ना ताली बजा रहे ना गा रहे हैं, ऐसे बैठने से नींद योरी आती है। देखो मैं राजस्थान गया था, एक माता जी आई मेरे पास और माता जी बोली, राजस्थान के माता जी थी, राजस्थानी भाषा में बोल रही थी, बोले थाने किए बोलो बेटा। मैंने कहा बोलो माता जी। बोले थाने किए बोलो, थारी कथा तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। तो मैंने कहा माता जी आपने कथा में क्या सुना, प्रश्न बताइए क्या प्रश्न सुना। बोले मैनु कोनी पतो। तो मैंने कहा माता जी आपने कथा में क्या सुना। बोले कोनी पतो, थारी कथा तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैंने कहा क्या अच्छी सुनी आपने। बोले बेटा थाने के बोलो। मैंने कहा बोलो। बोले मैंने दिन में 10-10 गोली खाऊ नींद की तो मानी कोनी नींद आवे, और थारी कथा में बैठ नहीं नींद आ जाए। तो कथा ऐसी चीज है, तो कथा में मीठी मीठी नींद आती है कथा सुनते सुनते। तो इसलिए सभी लोग ताली बजाएंगे और नाचने का मन करे नाचेंगे, तभी नींद ना आएगी, नहीं तो नींद बहुत जोर आती है। अरे बाके बिहारी के तेरे कथा, तेरे कथा आगी है Thank you.
मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे मन है गया नंदा बता, लेकिन यहाँ मुखर्जी नगर में लोगों का मन बहुत कम नंदा बता हुआ है। नंदा बता होते तो सब खड़े होकर देखते रहते, लेकिन नंदा बता कम हुआ है। अब ताली भी बहुत कम लोग बजा रहे हैं, क्या होता है? तो एक बार शरीरों हाथ उठाइए, ऊपर हाथ उठा लीजिए, और हाथ उठाकर क्या बोलना है? राधे राधे। प्यार से बोलेंगे सभी हाथ उठाकर, राधे राधे धुनी लगा रहा है। एक प्यार से बोलो, राधे 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 इनकी एक बार इनकी सुंदरता को सुने तो सारी ब्रह्म ध्यान ज्ञान को उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने वापस आए और श्री व्यास देव जी ये भागवत ग्रंथ उनको पूर्ण रूप में उन्होंने पढ़ाया। यदि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ये वक्ता कौन? श्री सुखदेव गोस्वामी जो परमहंस चूड़ामणि और परम ब्रह्म ज्ञानी। बोले भैया इनकी कहते इनकी श्रोता कौन? बोले परिखी। बोले इनकी कथा भी बड़ी प्यारी कथा है। अब ये महाभारत है, अब ये महाभारत आ रही है। ये महाभारत में देखो कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। बोले जो महाभारत है ना ये दो कारण से महाभारत होती है। ये महाभारत क्यों हुई आपको पता होगा। पहले में ये दुर्योधन चाहता है ये जितने भाइयों का सारे संपत्ति है ना ये मेरे को मिल जाए और किसी को नहीं मिले, इसलिए कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके आए। बोले भैया पांडवों का 5 गांव दे दो, कुछ ज्यादा कोई जरूरत नहीं, अब तू सब कुछ ले जा। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? बोले बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी तेरे को मैं जमीन धन के लेते आ गया, इसलिए ये महाभारत होगी। इसलिए हमारे घर में भी महाभारत होता है। हम भी चाहते किसी भैया को कुछ भी नहीं मिले, सबका भैया को जितने संपत्ति सब मेरे हम जाए। कहते ये पहला कारण। दूसरा कारण महाभारत होने का, कहते माताओं को जीवाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो महाभारत हुई द्रौपदी से हुई। बोले द्रौपदी से क्यों हुई? कारण क्या? बोले कारण ही द्रौपदी इतनी सी बात बता दी, अंधा का बेटा अंधा होता है। देखो हमारे गुरु जी कहते थे देखना हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी हम बैठे हैं, प्यार में हड्डी चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। बता सकते हो किसी में? ये जीवा में। इसलिए जीवा ना लपर 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 करते रहती है हर समय। देखना बिना बोले वो चुप नहीं रह सकता है,
ये चुप नहीं रह सकता है। इसलिए जो महाभारत हुई ना, ये जिह्वा के कारण से हुई है। और रामायण क्यों हुई जानते हो? वो भी जिह्वा से, माता सीता ने गड़बड़ी की। वो तो गड़बड़ी कर ही नहीं सकती, दुनिया को सिखा देती है। बोले मैया सीता ने क्या की, बोले जिस समय मारिच ने वो हिरण बन करके आया, मैया सीता राम से बोले ये हिरण पकड़ कर ला दो, देखो कितने सोने की हिरण है, सोने की हिरण है। इतने में भगवान राम पीछे पीछे गए, लक्ष्मण को बोले देख लक्ष्मण यहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं, तू कभी भी माँ सीता को अकेले छोड़कर जाना नहीं। बोले ठीक है भैया। वो तो स्वर्ण सीता भगात भगात ले गया। इतने में राम जब पकड़ नहीं पाए, जब बाण मारे, इतने में वो मारिच ने जोर से पुकारा भैया लक्ष्मण। सीता ने बोली लक्ष्मण तुमने सुना है, तेरे भैया के ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी, जल्दी जल्दी जाओ रक्षा करो। लक्ष्मण को पता है भगवान राम के ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, वो भगवान है। लक्ष्मण ने बोला नहीं भैया, मेरे को आदेश दी ये अकेले सीता को छोड़ करके जाना नहीं, मैं जा नहीं सकता हूँ। अभी सीता केवल इतनी सी बोल दी, अभी मैं समझ गई हूँ तुमने क्यों आया था। ओ ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तुम मेरे से शादी करोगे, इसलिए तो यहाँ पर आया था। और लक्ष्मण तो सीता को अपना माँ मानती है, अगर अब माँ ऐसे बोली बोले वो कहाँ सहन कर सकती है। इतने में लक्ष्मण ने क्या की, लक्ष्मण रेखा को उसने काट दी। बोले देखो माता जी, ये कभी भी ये लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। देखो जितने माताएं ध्यान देकर सुने, ये संसार में क्यों लड़ाई झगड़ा अशांति है। एक में तो सीता जी ने जिह्वा से अपशब्दों को बोली, दूसरे में सीता ने ये लक्ष्मण रेखा को उसने पार किया। इसलिए कहते भैया लक्ष्मण रेखा कभी पार मत करो। लक्ष्मण रेखा मतलब मर्यादा का रेखा कभी पार मत करो, नहीं तो रावण ही हमें उठा कर ले जाएगा। ये रावण हमें उठा कर ले जाएगा अगर हम लक्ष्मण रेखा अपना मर्यादा को कभी पार नहीं करनी चाहिए। आप देखना हमारे घर मेरे घर में क्यों लड़ाई है, देखना केवल माताओं के लिए कभी अगर जिह्वा त्रस्त हो गया, थोड़ी जिह्वा फिसल गया, कुछ बात हुई नहीं, केवल जिह्वा केवल स्लीप कर गया, देखना उसने मेरे को ऐसा बोली, उसने हमने ऐसे बोली, उसने ऐसे कर दिया, देखना घर में हमारी ये महाभारत घर में शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ से क्या देती है माताओं को, खबरदार जब जिह्वा चलाओ सोच विचार करके ये जिह्वा पे चलाओ, नहीं तो हमारे घर में भी महाभारत रामायण हमारे घर में भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर माताओं को ये भागवत उनको सावधान करती है, जिह्वा हमें नहीं चलाती चाहिए। इसलिए ये महाभारत का दो कारण है। पहला कारण, किसी भैया को कुछ नहीं मिले, सारे संपत्ति मुझे मिल जाए, जैसे दुर्योधन ने की, और ये जिह्वा, ये दो कारण से महाभारत हमारे घर में भी होना शुरू हो जाती है। इसलिए भागवत कहती है दो चीज को कंट्रोल कर लोगे ना, कहते घर में अगर राम जैसे घर में बेटा हो, सीता जैसे घर में बहू हो, अगर घर में रामायण है तो गीता हो ना, कहते वो घर नहीं वही घर ही वैकुंठ है, वही घर भी वृंदावन धाम बन जाएगा। अगर घर में गीता, अगर भागवत घर में हो, घर में रामायण हो, और घर में सीता जैसे बहू हो, और राम जैसे घर में बेटा हो। इसलिए कोशिश करना, अगर ये चीज को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी घर में कभी महाभारत होगी नहीं, घर पर भगवान की धाम बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री कहते श्री पुत्रा की गर्भ में श्री परीक्षित महाराज थे, इसलिए अशोकमा ने देखा पांडवों का केवल एक धरोहर रूप में ये पुत्रा गर्भ में एक बेटा, अगर उसको किस तरह से मार दिया जाए ना, बस इनका वंश खत्म हो जाएगा। इतने में उन्होंने द्रोणाचार्य अशोकमा ने ब्रह्मास्त्र को मारे। इतने में श्री उत्तरा सीधा उन्होंने कृष्ण शरण में चली गई। बोले प्रभु अगर मैं मर जाऊँ ना कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में पांडवों का जो धरोहर रूप में अंतिम संतान, अगर ये शरीर छोड़ दिया ये वंश खत्म हो जाएगा, कोई पिंड देने के लिए पूर्वजों को रहेगा नहीं, केवल मेरे बच्चे को अब रक्षा कर लो। इतने में कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उन्होंने गदा घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया और उन्होंने बालक को उन्होंने प्राण दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोले परीक्षित क्यों? बोले गर्भ में कृष्ण दर्शन किया,
जब उसने जन्म लिया वो कृष्ण कहाँ है सबको परीक्षा कर रहा था, बोले जिनको गर्भ में देखा वो जो प्यारे प्यारे रूप वो कहाँ है, वो सबको परीक्षा कर रहे थे। इनका नाम श्री परीक्षित नाम पड़ गया। अभी कृष्ण हस्तिनापुर में, जब जब कृष्ण जाने के लिए तैयारी होते हैं पांडव कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, बोले कृष्ण जब हमारी पर में विपत्ति पड़ी, सारे विपत्ति में तुमने रक्षा की, अभी घर में संपत्ति आ गया, अभी हम चक्रवर्ती राजा बन गया, कुंती अभी राज माता और द्रौपदी अभी राज रानी, कुछ दिन तक रुको और हमारी सेवा ग्रहण करो। अभी कृष्ण को किस तरह से जाने ही नहीं देते, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। इतने में एक दिन मैया कुंती ने कृष्ण को स्तुति कर रही थी, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नम। बोले जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवान कौन? जो भगवान कृष्ण भक्ति करते वो जगत में सबसे सौभाग्यवान। बोले उनसे बड़े कौन? वसुदेव। बोले क्यों? वो जगत पिता जगन्नाथ है, लेकिन उन्होंने पिता बनाया तो किसको पिता बनाया? कहते वसुदेव महाराज, जगत का पिता उनको पिता बनाया, इसलिए वसुदेव महाराज बड़े भाग्यवान। बोले उनसे बड़े कौन है? बोले देवकी। बोले क्यों? बोले कृष्ण के गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है, लेकिन जब भगवान आए उन्होंने माँ किसको बनाई? बोले देवकी को उन्होंने माँ बनाई। इसका तात्पर्य है पिताओं का जितना सौभाग्य है, कहते माताओं का ज्यादा सौभाग्य। बच्चे को गर्भ में कौन धारण करती है? माताएं धारण करती है। प्रसव पीड़ा को कौन सहन करती है? माताएं हैं। गिल्ली में सो करके बच्चे को कहाँ सुलाती हैं? सूखे में सुलाती हैं। मुंह की खाना निकाल कर किसको देती हैं? बच्चे को। इसलिए कहते पिताजी से ज्यादा सौभाग्यवान माताएं, इसलिए माता देवकी बड़ी सौभाग्यवती। बोले उनसे बड़े सौभाग्यवान कौन? बोले नंद जसोदा, क्योंकि मथुरा में कृष्ण तो प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको पल्ले में झुलाया किसी ने, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया, इसलिए उनको कहां पर उत्सव मनाए? बोले गोकुल में। उनको पल्ले में मैया ही झुलाए, स्तन उनको मैया जसोदा खिलाई, अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके मैया जसोदा उनको चलाना सिखाई। इसलिए कहते उनसे श्री नंद जसोदा श्रेष्ठ है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन? बोले ब्रज की गोपियां हैं, क्योंकि भगवान जो रास किए ना, ये गोपियों को लेकर के ठाकुर जी रास किए। रास मतलब जहाँ रस है, इसलिए कहते हैं ये गोपियां सर्वश्रेष्ठ। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन? बोले गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं। बोले किसकी? बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए यहाँ कुंती कहती है श्याम सुंदर राधा रानी की जो भक्ति है ना, इसलिए उनका नाम राधा। राधा मतलब किया जो कृष्ण को विशेष करके आराधना करती है, उनकी पूजा और सेवा करती हैं, इसलिए उनका नाम श्री राधा। इसलिए आप वृंदावन में जाओगे ना, देखना कोई कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुने कि नहीं? वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? अब कोई जोर से आज व्रत आप लोग व्रत रखे ना, जोर से बोलो वृंदावन में सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। जब माता कुंती स्तुति कर रही थी, कृष्ण ने कहा बुआ जी मैं तो तुम्हारी भतीजा हूँ, तुम्हारी बुआ जी, कहाँ मेरे को स्तुति तुम्हारी करनी चाहिए और तुम उल्टा मेरी स्तुति कर रहे हो। कुंती बोले यही तो तुम्हारी चक्र है, माया है, कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक तुम हो, किसको बुआ किसको पिता किसको भैया किसको चाचा कक्का बना दिया तुम, और सारा दुनिया की माया सब कुछ माया में चक्कर में तुम भ्रमित कर रहे हो, यही तुम्हारी माया, तेरे को पहचानना बड़ा कठिन है तुम्हारी। इसलिए मैं भी कभी चक्कर में पड़ गई थी, कभी ब्रज में तुमने मक्खन चोरी की, कभी तुमने मटकी फोड़ी, मैया जसोदा तेरे को पकड़ करके बांध रही थी और तू सिसक सिसक करके रो रहा था। मैंने कहा भैया विश्व ब्रह्मांड का मालिक जिसकी डर से काल भी थर थर कांपते हैं, आज मैया की डर से कृष्ण थर थर कांप रहे हैं। मैंने सोचा भैया इसको नाटक तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही सही देखा माँ के डर से तो डर रहा था। इसलिए कन्या तेरे को समझना बड़ा कठिन है। बोले बुआ जी
आज लगता है तो उल्टा गंगा बह रहे हो, ठीक है आज मेरे पास में तुम्हारी जो इच्छा मेरे से तुम मांगी। देखो माँ श्री कुंती क्या मांगती है, बोले विपति सन तुम्हें साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। कहते बुआ जी कत कृष्णा मेरे झोली में तुम विपति भर दो। क्या भर दो? बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे पास में आते हैं, कहते ना सुख संपत्ति घरे आवे दुख मिटे तन की जय जगदीश हरि। सारा दुनिया मेरे पास में सुख चाहते हैं तो फिर दुख क्यों चाहते हो? बोले देखो ये मेरी अनुभूति है, जब हमारी जीवन में कितने विपत्ति आई, हम लोग 13 साल तक जंगल में भटक गए, हमको जहर भीम को पिला करके पानी में फेंक दिया, जतुगृह में जलाने के लिए कोशिश की, द्रौपदी की वस्त्र हरण हुई, लेकिन हमारे ऊपर में जब जब कोई विपत्ति आई ना तब तक हम तुमको स्मरण किया और तब तक तुम हमारे पास में रहा। अभी राज्य मिल गया, अभी मैं राजमाता बन गई हूँ और कुंती श्री द्रौपदी राज रानी बन गई, युधिष्ठिर राजा बन गया, अभी तुम हमको छोड़ रहे हो, तुम अभी छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए लाला इसलिए विपत्ति मांग रही हूँ। कहते कहते ना सूख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, कहते बली हरि व दुख को जो पल पल नाम जपाए, इसलिए दुख में सुमिरण सब करे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरण करे दुख काहे को आए। इसलिए एक दुख में तेरा स्मरण होता है और संपत्ति में तेरे को भूल जाते हैं जीव, इसलिए बोले प्रभु जिसको पास में चार चीजें होगा ना वो तेरा कभी भजन नहीं करेगा। कहते भैया चार चीज किया, बोले जन्म, अगर किसको बहुत अच्छे कुल में जन्म हो जाए बड़ा अभिमान आता है वो भगवान की भजन नहीं करेगा। ऐश्वर्य, अगर ज्यादा थोड़ी सी पैसा हो जाए, बोले हमारे पास में किस चीज की कभी भजन करेंगे? कहते किस चीज की कमी हमारे पास में तेरे को भजन करेंगे, इसलिए प्रभु तेरा भजन नहीं करेगा बड़ा अभिमान आ जाती है। श्री श्री मतलब जिसको थोड़ी सी चमड़ा सुंदर हो जाए वो तेरा भजन नहीं करेगा। और चौथा नंबर ज्ञान, थोड़ी सी एमए पीएचडी डॉक्टर कर देना, अरे भगवान भगवान किसने देखा, बेकार बात है सबके सब, हैं सब बेकार बात है सबके सब। इसलिए प्रभु जो चार व्यक्ति होते हैं वो तेरे भक्ति नहीं करते हैं, तेरे भक्ति से ये दूर रहते हैं। नमो अकिंचन बिताय निवृत गुण वृतय, जो दीन इन्हीं के ऊपर में तेरी बड़ी कृपा होती है, इसलिए मेरी जीवन में विपत्ति भरता। हाँ देखो अच्छे तरह से सुनो, लेकिन जिसको पास में पैसा है, जिसको सुंदरता है, जिसकी ज्ञान है, जिसकी अच्छी कुल में जन्म, अगर वो प्रभु की भक्ति करते हैं क्या समझनी चाहिए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की इनके ऊपर में बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की जो भगवान की भक्ति करते हैं। आप लोग बोलोगे तब फिर जो भजन करते हैं फिर उनको घर में विपत्ति विपत्ति आए, क्योंकि माता कुंती ने झोली फैला करके विपत्ति मांगी ना, आप लोग का जो भजन करेंगे उनके घर विपत्ति आए, बोले नहीं इसका मतलब ये नहीं है। देखो एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे तुम्हारी पड़ोसी को साथ में तुम्हारी कोई लड़ाई झगड़ा है, आपने अपना बेटे को बोले देख बेटा अगर जहर खा करके मरना तो मर जाना, लेकिन ये पड़ोसी घर में जाना नहीं, इसका ये मतलब नहीं तू जहर खा कर मर जा, इसका मतलब है पड़ोसी घर में जाना नहीं। उसी तरह यहाँ पर जो कुंती भगवान से विपत्ति चाहती, इसका मतलब नहीं विपत्ति आए, नहीं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है ठाकुर जी जैसे जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो ठाकुर जी, तू जिस स्थिति में रखना रख ले मेरे को, लेकिन जैसे कभी तेरे को भूलू नहीं, तेरे कभी भूलना नहीं चाहिए, ये चीज कह रहे हैं, ये नई चीज कह रहे हैं मेरे घर में विभूति दे दो, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है हर समय तेरे नाम जप करते रहूं, तेरे स्मरण में करते रहूं। अभी पितामह भीष्म जी सरसज्जा में लेटे हुए, उनको ऊपर में भी कृपा करना, भगवान वहां पर भी गए। पितामह भीष्म जी बोले प्रभु तेरे नाम ले लेकर के तेरे दर्शन करते करते अंतिम श्वास को त्याग देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, प्रभु का नाम को ले लेकर के उन्होंने प्राण त्याग दिया। सारे ऋषि मुनि देख देख करके आश्चर्य हो रहे थे, बोले क्यों? बोले जनामा जनामा मोनी जाता
ना कराई जनमा मोनिदाता ना कराई अंतरामा कही आब तनाई अंतरामा कही आब तनाई जनमा जनमा मोनिदाता देवतालोक स्वर्ग से पुष्प की बौछार की देखो जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का स्मरण नहीं होता। साक्षात ठाकुर खड़े उनकी चरण को हृदय में रखते हुए प्रभु का नाम ले लेकर के शरीर त्याग कितने सौभाग्यवान हैं। देवतालोक पितामह भीष्म की जयकार देते हैं, बोले पितामह भीष्म की, अरे जोर से बोलो, देवता लोग भी जयकार दे रहे हैं, पीछे आवाज आ रही है, आ रही है, बोले पितामह भीष्म की, सारे देवता जय जयकार किए हैं। अभी श्री पांडव लोग जब इसी जगत में कृष्ण संसार छोड़कर चले गए, माँ कुंती भी शरीर को त्याग दी, पांडव भी शरीर को संसार को त्याग दिए, जाने से पहले हस्तिनाकार राजा उन्होंने बनाया किसको, बोले श्री परीक्षित महाराज को। एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अनहोनी देख रहे थे, बड़े अपशगुन देख रहे थे, और उन्होंने भ्रमण करते करते उन्होंने जब गए उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। क्या देखा, जब ध्यान देकर सुनो, देखा एक गैया दुखी होकर रो रही है, और एक बैल को देखा उसका तीन प्यार नहीं वो एक प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा वो चरण को एक चरण को मार मार करके उसको तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, और वो बेल बड़ी जोर जोर से विष्टा मूत्र को विसर्जन देते हुए रो रहा था। परीक्षित महाराज को रहा क्रोध आया, बोले मेरे देश में इतने अनहोनी, तलवार निकाले झपट पड़े, बोले तू एक और, बोले मैं स्वयं कली, बोले ये गैया कौन है, बोले ये पृथ्वी है, बोले ये रो रहे हैं क्यों, बोले कली युग आ रहा है, अभी कली युग में लोग बड़े अधर्म पाप कर्म करेंगे, अभी ये कली सोच रहा है ये पाप को मैं सहन कैसे करूं, इसलिए रो रही है, बोले ये बैल कौन है, बोले ये धर्म है, बोले इसका तीन चरण कहाँ गया, बोले सत्य त्रेता द्वापर, ये तीन युग बीत गई, धर्म का तीन चरण नष्ट हो गया, धर्म केवल एक चरण के ऊपर खड़ा हुआ, बोले तू, बोले कली, बोले तू क्या कर रहे हो, बोले ये टांग को मैं तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा, मतलब है कली युग में कोई धर्म कर्म में रहना नहीं हुआ, हर पाप पाप हो जाए। परीक्षित महाराज बोले जब तक मैं हूँ तब तक तेरे कोई स्थान नहीं, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बोले प्रभु अभी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आकर राजत्व है, सारे पृथ्वी पर राजत्व कर रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पर आपको देखता हूँ, और धनुष धारण किए हुए खड़े हो, जब आपने सत्य त्रेता द्वापर को स्थान दिया मेरे को भी स्थान दे दो। परीक्षित महाराज ने देखा कलियुग में धर्म किया और पाप किया, देखा कलियुग में पाप पाप तो करेंगे, क्यों जो भी कली है, कली मतलब कलह, केवल लड़ाई झगड़ा जहाँ पर है, लेकिन कलियुग में देखा है कि विशेष धर्म है, बोले कलियुग का धर्म क्या है, बड़े कलियुग के बलना मा आधारा कलयुग से भजता कलयुग के कलयुग से Oh, yeah.
कलयुग में ज्यादा साधन करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम जप कर इससे उद्धार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दे दिया। लेकिन अभी अब ध्यान देकर सुनो, बोले कलयुग को कहाँ पर स्थान दिया? कहते उन्होंने चार ही जगह पर स्थान दिया। अगर कलयुग में केवल चार नियमों का पालन करो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप कर लो, उदाहरण दिया जैसे आपको कोई बीमारी, आप सचमुच से कोई अच्छे डॉक्टर को पास में गए, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया आपका बीमारी को सही करना चाहता है, वो क्या बोलेगा, भैया दवा तो बहुत बढ़िया दूंगा, लेकिन अगर परहेज को साथ में अगर ये दवा दो लोगे ना, जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। उसी तरह कलयुग में दवा क्या है, बड़ा प्यारा दवा, मीठा दवा है, ठाकुर जी का नाम ये दवा है। लेकिन नियम क्या, परहेज क्या, बोले चार नियम। अब ध्यान देकर सुनो, कौन सा चार नियम है जिसको पालन करो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप कर उधार हो जाएगा? पहला नंबर है दुतम। दुतम का मतलब होता है जुआ। कभी जीवन में जुआ नहीं खेलनी चाहिए, इसलिए युधिष्ठिर महाराज धर्म स्वरूप बोले देखो हमने जुआ खेला तो कितने सत्यानाश होंगे, पहले तो राज्य को खोया, पर भाइयों को भी जुआ में लगा दिया, भाई भी गए, फिर मैंने पत्नी को द्रौपदी को भी मैंने जुआ में लगा, और भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर 12 साल तक तो जंगल में भटकते रहे, और 1 साल हमें अज्ञातवास में विराट राज्य में राजोत्तमी कहाँ सर्वश्रेष्ठ गांडीव धारी अर्जुन वहां ब्रह्मला का काम कर रहा था, भीमसेन गदाधारी क्या कर रहा था, रुसे का काम, चक्रवर्ती राजा वो कंक का काम कर रहे थे, और नकुल सहदेव घोड़ा साला को देख रहे थे, कहाँ कितने बड़े राजा और कर रहे थे क्या। कहते भैया कभी भी जुआ में हाथ मत लगाया करो, तभी जुआ में हाथ लगाओ अगर इतने दुख भोगना करना तो हो। ये जुआ ऐसे की चीज है ना, अगर खेलना शुरू किया तो बैठ भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, छोड़ भी नहीं सकते, शायद एक दाव लगा दिए दाव लग जाएगी, करते करते देखना सब कुछ चली जाएगी, इसलिए खबरदार ये जुआ में कभी हाथ मत लगाया करो। इसलिए धर्म का पहला चरण है सत्य। जो जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है, वो झूठ को पर झूठ बोलेगा, कहीं से पैसा धार लेगा बोले कल ही दे दूंगा कल ही दे दूंगा, वो झूठ झूठ बोलेगा, इसलिए धर्म का पहला चरण खत्म। दूसरा नंबर है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु मत लिया करो। नस्ली वस्तु में जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज नहीं लेनी चाहिए, इसलिए शराब भी नहीं पीनी चाहिए। देखो ये संतों का कहना है जो शराब पीते हैं ना उनका 3 लाभ है। कितना लाभ है, कितना लाभ है, 3। ध्यान देकर सुनो, शराब पीने वालों का 3 लाभ क्या है? बोले पहला लाभ वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तो भी तो बूढ़ा होगा ना, वो तो पी पा करके आधा उम्र में शरीर छोड़ देगा। एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए, हरिनाम लेने के लिए आए, मैंने देखा 30 साल की लेकिन विधवा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, तुम विधवा कैसे हो गई हो? बोले कितने बच्चे, बोले 2 बच्चे हैं। बोले तुम विधवा कैसे हो गई हो? बोले वो बहुत पीते थे, वो बहुत पीते थे, एकदम सवेरे से पीना शुरू कर देते थे, सवेरे से पीना शुरू कर देते, करते करते उनका जो पकड़ा गया सारे आंत खत्म, किडनी खत्म, सब खत्म, पर उस समय कोई उपाय नहीं था। इसलिए कहते पीने वालों का जो बूढ़ा तभी बनेगा जब कोई जिंदा रहे तभी बूढ़ा बनेगा, अगर बीच में अगर खत्म हो गया तो बूढ़ा बनेगा कहाँ से। मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ, रसिया में देखा वहाँ ज्यादा ही ज्यादा वहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं दिखे, और ज्यादा लड़की लड़की मैंने देखा। मैंने पूछा भैया यहाँ पर बूढ़े आदमी नहीं, इतने लड़की क्यों है? कहते यहाँ बचपन से ये पीना शुरू कर देते हैं, बचपन से ये पीते हैं, इसलिए पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं, और इनकी पुरुषत्व तो नष्ट होने का नाते इनकी बेटा नहीं ज्यादा बेटी जन्म लेते, ज्यादा बेटी जन्म लेते हैं। इसलिए पहला लाभ क्या, बूढ़ा नहीं बनेंगे। बोले दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी।
वो तो सब बेच बाच करके पी पा कर खत्म कर देगा, पर ये चोरी कहां से आएगी? तीसरा लाभ क्या है? कहते कुत्ते दोस्त बन गए। बोले मतलब क्या? बोले कहीं पी पा करके पड़ा हुआ होगा और कुत्ते आकर के मुंह धोकर चले जाएंगे। इसलिए आप लोग, अभी दुनिया ऐसे हो गया ना, ऐसे दुनिया हो गया, अगर कोई शादी विवाह हो कुछ हो ना, अगर शराब नहीं पिलाया, मांस नहीं पिलाया, बोले ये कौन सा शादी है? तुमने मांस नहीं खिलाया, तुमने शराब नहीं पिलाया। इसलिए अभी ये चीज को ना सब जगह व्यवहार करना शुरू कर दिया। बच्चे का बर्थडे में, शादी में, शादी सब जगह में ये शराब मांस करना शुरू कर दिया। देखो ये संत कह रहे थे, आप बुरा मत मानो, ये संत कह रहे थे भैया जी, बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने जानवर को तुमने मारा और इतने बोतल तुमने तोड़वाया, बताओ वो बच्चे का कभी कल्याण होगा? तुमने इतने जो पाप कर्म कराया वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता? वो कह रहा था अगर 100 साल होगा ना, वो झट 50 साल में उतर कर आ जाए। क्यों? जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने जानवर को तुमने मारे और इतने बोतल तुमने पाप उनमें आश्रय दिया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर हम चाहते कल्याण करना, ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। और एक चीज है, देखो आप लोग बुरा मत मानो, ये चाय भी नस्ली वस्तु है, ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए। आप लोग बोलेंगे भैया चाय में क्या दोष है? बोले चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें एक निकोटीन और एक कैफीन डालते हैं। जो बड़े बड़े व्यक्ति है ना, उनका पूछ लो, पहले भारत में कोई चाय नहीं पीते थे। ये अंग्रेजियों ने ये चाय अपना बिजनेस को चलाने के लिए, बड़े बड़ों को पूछ लो, पहले इन लोगों ने खुद हाथों में चाय बना बना करके पिलाए। और कैसे पिलाए जानते हो? अपना बिजनेस को सफल करने के लिए। बोले जो एक कप चाय पिएगा उसको 1 रुपया मिलेगा, उस समय 1 रुपया क्या कीमत था? बोले 1 कप चाय मिलेगा और 1 रुपया मिलेगा। बोले पियो चाय, मैंने पहले पिए। कुछ दिन बाद में बोले देखो 50 पैसा मिलेगा। बोले 50 पैसा और चाय कप? बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले देखो 25 पैसा मिलेगा। बोले लो दो। कुछ दिन बाद में बोले भैया कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा। बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा उल्टा दो। देखो उनका पॉलिसी से क्या था और हमने बेकूफ कैसे बनी, ये चीज को समझो। हम कैसे उनका बिजनेस को हमने चला दी। बोले 25 पैसा उल्टा दो। आप देखना जो चाय पीते हो, कौन कौन चाय पीते हो हाथ उठाओ तो देखना। जैसे चाय पीते हो, जैसे चाय पीने का समय आ जाए, अगर आप चाय नहीं पियोगे क्या होगा बताओ? आप बोलो, आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, जोर से बोलो। सर दर्द करना शुरू होगा। बोले क्यों? बोले उसमें निकोटीन और उसमें कैफीन डाला हुआ है। वो चाय नहीं, वो जहर है। हम चाय नहीं पी रहे हैं, हमने जहर पी लिया। लेकिन हम क्या कहते हैं, भैया सवेरे 1 कप चाय पी लो, दिन भर तक चिंता नहीं। दिन भर तक चिंता नहीं मतलब क्या है? चाय कितने हैं अब देखना, इतनी सी चाय ना। इसलिए अंग्रेजियों ने कहा देखो चाय, अगर जो व्यक्ति चाय पिएगा 25 पैसा देना पड़ेगा। बोले लो। बोले 50 पैसा बोले लो। बोले 1 रुपया बोले लो। 2 रुपया बोले लो। बोले 5 रुपया बोले लो। बोले 10 रुपया बोले लो। देखो इतनी चाय इतनी है ना, लेकिन इतनी चाय हमें पिला करके उन्होंने हमसे 10 रुपया हमने ठग लिया। अब 10 रुपया की 1 कप आपको दूध मिल जाएगी, 1 कप दूध मिलेगी 10 रुपया की। लेकिन हमने बस उनका बिजनेस हमने चला दिया। नहीं, उनका बिजनेस को मत चलाए करो। इसलिए अपना भारत का बिजनेस चलाओ, अपना भारत का दूध पियो ना, दही खाओ ना, रोटी चावल खाओ। भैया हम चाय इतने पी करके भूख का क्यों खत्म करेंगे? इसलिए शरीर के लिए लाभदायी नहीं, शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए आप लोग धीरे धीरे कोशिश करना, जैसे रामदेव बाबा का हर्बल टी है, गोकुल टी, जो अच्छी चीज है, जो हेल्थ के लिए अच्छी चीज है, आप लोग वो चीज को खाओ, जैसे शरीर हमारे सुस्त है, ठीक है ना। अंग्रेजी का बिजनेस मत चलाएगा। इसलिए कहते नस्ली वस्तु भी हमें नहीं लेनी चाहिए, इसको लेने से तपस्या नष्ट हो जाता है। हाँ देखो तीसरा चीज है, कली का जो तीसरा स्थान स्त्रियम, कहते ये स्त्रियों को ऊपर में कली का स्थान,
बोले भैया कौन सा स्त्री है, कहते संसार करो लेकिन ये शादी करके, पति पत्नी शादी करके संसार करो, धर्म को साथ में अपना घर गृहस्थी, धर्म को साथ में घर गृहस्थी बनाओ, लेकिन बगैर शादी से जो लड़का लड़की लड़की लड़कों को साथ में जो संबंध है, जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है। कहते नहीं, यहाँ पर अधर्म का तीसरा नंबर है, कहते पवित्रता नष्ट हो जाती है। संसार करो शादी करके, पति पत्नी दोनों धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करो। जो चौथा नंबर है, कहते जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब कहती है